हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का फिजिकल एजुकेशन, मनोविज्ञान और खेल। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 चैप्टर है और लास्ट के चैप्टर में से है। ये चैप्टर करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, इसको आपको मानना भी चाहिए और समझना भी चाहिए कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। और साथ में एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है और आपको नाम भी याद नहीं रहेगा, ठीक है? तो इसको सब्सक्राइब कर लेने में ही आपको फ़ायदा है। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस चैप्टर में जो मैं कराऊंगा, आपको जो होगा ऊपर स्क्रीन पे जो होगा मेन बातें आपको आएगा, ठीक है? और उसके रिगार्डिंग मैं उसको समझाऊंगा। आप कभी गलत फहमी में मत रहिएगा कि जो क्वेश्चन लिखी जा रही है, जो स्क्रीन पर दिख रही है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। डिजेंस ये है कि वो मेन पॉइंट दिखाया गया है जो कि आपके फायदे के लिए है, और आपको सिर्फ उससे क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए कॉपी पर, और जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है? चलते हैं, देखते हैं चैप्टर में हमारा आज क्या है कि ये जो हमारा 9वां चैप्टर है मनोविज्ञान और, ठीक है, खेल। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही कहा गया है, व्यक्तित्व का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब आप समझते ही हो कि इंसान का व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्तित्व शब्द एक व्यापक शब्द है, यह अपने आप में एक विशेषताओं और गुणों को जोड़ते हैं जो एक व्यक्तियों को एक अलग पहचान देता है। यही बातें उसे औरों से अलग करती है, क्योंकि पर्सनालिटी जो है, शब्द की उत्पत्ति लतीन शब्द से भाषा से हुई जिसका मतलब होता है प्रश्न से हुआ, जिसका अर्थ होता है मास्क यानी मुखौटा, जिसका प्रयोग प्राचीन यूनानी सभ्यता के दिनों में नाटकों में विभिन्न पात्रों द्वारा किया जाता था। व्यक्तित्व का अर्थ सामान्य व्यक्तियों के बाहरी स्वरूपों कहीं अधिक होती है। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति की उस विशेषताओं को जटिल और संयुक्त रूप से है जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उसकी मानसिक भावनाएं, प्रेरणा और व्यवहार को प्रभावित करती है। व्यक्तित्व उन विचारों, भावनाओं और सामाजिक समायोजन और व्यवहारों से पहलू भी है जो लंबे समय के लिए व्यक्तियों को संभावनाओं एवं व्यवहारों और मूल्यों के गहराई को प्रभावित करता है। तो आप तो व्यक्तित्व का मतलब समझ ही चुके होंगे कि व्यक्तित्व का मतलब होता है मुखौटा, ठीक है, कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप लोगों के सामने किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो आपका व्यक्तित्व कहलाएगा, ठीक है। इसमें जो है उन सभी तरीकों का कुल योग है जिसमें व्यक्ति दूसरे के साथ प्रक्रिया करता है या बातचीत करता है। यहाँ तक शारीरिक पहलू का संबंध है, ये व्यक्तिगत आकर्षण से संबंधित है। दूसरे के साथ व्यवहार करते समय रवैया और मुस्कुराते हुए चेहरे को भी व्यक्तित्व में शामिल किया जाता है। आपको कोई भी व्यक्ति यही बात बोलते हैं कि आप कभी भी किसी से बात करो तो आईज कॉन्टेक्ट के साथ करो और मुस्कुरा के करो, किससे क्या होता है, आपके व्यक्तित्व का काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व की अवधारणा वैज्ञानिकों द्वारा कल्पना के रूप में बहुत व्यापक है, जो व्यक्तित्व को न केवल उपस्थिति या बाहरी व्यवहारों के रूप में मानते हैं बल्कि इनसे कहीं अधिक यह कहा जाता है कि यह व्यक्तित्व हमें उस व्यक्ति के प्रकार के बारे में बताता है जिस तरह वह व्यवहार करता है, ठीक है, महसूस करता है और सोचता है। क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व होगा वही आपका सोच का और व्यवहार को निर्धारित करता है, यह वही है जो आपको आप बनाता है। अगर आपका व्यवहार सही नहीं हो या आपका व्यवहार में कुछ रूढ़ियाँ हो तो आपको आप ही वो कर देगा। यह उन सभी लक्षणों, विशेषताओं और विचित्रताओं को सम्मिलित करता है जो आपके बाकी सभी से अलग कर देता है। तो कहते हैं ना कि इंसानों का व्यक्तित्व कैसा है, इंसान कैसा दिखता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर बहुत से साइंटिस्टों ने, बहुत से लोगों ने अपने अपने विचारधारा दिया है। किसी ने यहाँ तक भी कहा है कि जो आपका व्यक्तित्व विचारों को वास्तविक या संभावित व्यवहारों के पहलुओं का कुल योग होती है। तो किसी ने ये कहा है कि वर्गल्स ने ये कहा है कि व्यक्तित्व उन सभी आदतों का योग है जो समाज में व्यक्ति की भूमिका स्तर को निर्धारित करती है। तो देखो, सारे वो व्यवहार सभी आदतें होती है, सबका आदतों का जो प्लस जोड़ दो, ठीक है, तो वो भूमिका जो होता है वो आपको समाज में निर्धारित करती है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कैसे व्यक्ति हो, ठीक है। कॉल जंग के अनुसार जो कहा था कि एक दृष्टिकोण के रूप में व्यक्तित्व एक निश्चित तरीके के व्यवहार को, प्रवृत्ति को दर्शाता है कि आपका व्यवहार कैसा है। तो बहुत साइंटिस्टों ने अपने अपने विचारधारा दिए हैं, तो उनमें से कम आपको 3 तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा। यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही व्यापक होता है। व्यक्तियों में व्यक्तित्व की वह सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बुद्धिमात्मक और भावनात्मक विशेषता शामिल है जो उसे विशेष बनाती है और जिनकी दिन प्रतिदिन अभिव्यक्त होती है। यह भी निष्कर्ष दिया जा सकता है कि व्यक्ति किसी व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी योग्यताओं का योग है, कि आपके आंतरिक और बाहरी योग आपकी कैसे आचरण आपको प्रदर्शित करती हो। व्यक्तित्व खेल कूद में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि यह व्यक्ति के ज्ञान,
अभिप्रेक्षण और विश्लेषणता और आचरण को द्वंद कराता है, ठीक है, और ये सारे प्रदर्शित होती है। खेलों में एथलीटों और उनकी अनूठियों और अपेक्षाकृत स्थिति विशेषताओं की विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों को समझना आवश्यक होता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि प्रशिक्षण के साथ साथ प्रतियोगिताओं को निश्चित मांगों पर एक विशेष एथलीट कैसे प्रतिक्रिया देती है। कोई भी दो एथलीट समान नहीं होते हैं और वे जैसी स्थिति में अलग तरह के व्यवहार कर सकते हैं। कुछ एथलीट कोच से निर्देशित लेना पसंद नहीं करते हैं लेकिन कोच के सहभागिता सीखने जैसे विकल्पों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। खेल मनोविज्ञान यह जानने के लिए भी इच्छुक हो सकते हैं कि किस प्रकार के लोग किस प्रकार के खेल या प्रशिक्षण कार्यक्रम में विकल्प चुनते हैं। तो ये चलिए दोस्तों, ये तो पर्सनैलिटी होती है। अब कहते हैं कि व्यक्तित्व के भी बहुत से प्रकार होते हैं, यानी पर्सनालिटी के बहुत से टाइप्स होते हैं, तो उसी टाइप्स के बारे में हम यहाँ जानेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह वर्णित कुछ व्यक्तित्व के प्रकार और लक्षण अनुसंधान के विस्तार गतिविधियों के रूप में या वर्षों में परियोजना कार्य के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। विभिन्न मनोविज्ञानिकों द्वारा व्यक्तित्व के क्षेत्र में साहित्य और अनुसंधान और विकास की प्रगति के साथ विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना आवश्यक है। एक बेहतर प्रक्षेपण और व्यक्तित्व के समझ प्राप्त करने के लिए की जाती है। विभिन्न मनोविज्ञानिक ने व्यक्तित्व का अलग अलग वर्गीकरण किया है। सबका अपना विचारधारा है। व्यक्तित्व प्रकारों के में कई सिद्धांत भी प्रयोग किए गए हैं। प्रत्येक सिद्धांत में कोई ना कोई कभी न कभी उप सिद्धांत भी शामिल हुए हैं। फिर इन सिद्धांतों में हमारा है मनोविज्ञ, मानवतावादी, जैविक, व्यवहारिकवादी, विकासवादी, सामाजिक स्थिति और प्रश्न शामिल है। हालांकि कई शोधकर्ता और मनोविज्ञान स्पष्ट रूप से किसी एक विशिष्ट दृष्टिकोण की सदस्यता नहीं लेते हैं, बल्कि एक विषम दृष्टिकोण मानते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई विशेष सिद्धांत या दृष्टिकोण व्यक्तित्व के संपूर्ण पहलू को शामिल नहीं करता है। व्यक्तित्व को समझने के लिए दृष्टिकोण में मुख्य रूप से प्रकार और दृष्टिकोण, जिसमें भिन्न सूचक और जोता फेडमैन, रोचन टाइप, सब चीज़ें इसमें सम्मिलित होती है। कहते हैं कि भारत में प्रसिद्ध आयुर्वेद पुस्तक चरक संहिता, आपने पढ़ा भी होगा, चरक संहिता के बारे में जाना भी होगा। ये सिद्धांत नामक तीन रहस्य तत्वों के आधार पर व्यक्तित्व की बात पित्त और कफ के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा या जिसने उन्होंने चरक संहिता पढ़ा होगा उनको एक बात तो जरूर समझ होगी कि व्यक्तित्व के तीन आधार माने जाते हैं। एक होता है बात, पित्त और कफ के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव प्राकृतिक के प्रकार के संदर्भ करता है और इसके अलावा त्रिगुणों के आधार पर व्यक्तित्व का एक और भी है, सत्य गुण, रजस गुण और तमस गुण। सत्व गुण जो होती है, सत्व गुण बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रजस गुण जो होते हैं और तमस गुण, ये सारे गुणों से इंसानों के भावनाओं का उच्च होती है, प्रकार होती है। अब चल देखते हैं कि जो सारे गुण हैं उस गुणों में क्या विशेषता है। सबसे पहले हमारा होता है सत्य गुण। स्वयं को पवित्र, ज्ञान और सद्भाव के रूप में प्रकट करता है। ये अच्छाई, खुशी, संतुष्टि, बड़प्पन और संतोष की गुणवत्ता है। यह भय, हिंसा, क्रोध और दोष मुक्त होती है। इसमें स्वच्छ, सत्य और कर्तव्य प्रागण और अनुशासन आदि गुणों को सम्मिलित होती है। उसके बाद है रजस गुण। रजस गुण जो होती है वो जुनून और इच्छाओं को जन्म देती है। ऐसे व्यक्ति लालच, गतिविधियां और कार्यों को उपक्रम, बेचैनी, संतुष्टि, असंतोष और ईर्ष्या की ओर जाते हैं। उसके बाद तमस गुण। तमस गुण स्वयं और अशुद्धता और आलस्य और अंधकार के रूप में प्रकट होती है, क्योंकि तमस्य, तमस में मतलब होता है गलत चीजें। इसमें क्रोध, अहंकार, अवसाद, आलस्य, असहायता भावनाएं आदि दर्शाती है। तो तमस्य गुण जो होती है बहुत ही बेकार गुण होती है। विशिष्ट दृष्टिकोण का द्वितीय और स्थिर विशेषताओं को विभिन्न व्यक्तित्व की अवधारणाओं के आधार पर विशिष्ट मनोविज्ञान विचार विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। गुण एक ऐसी विशेषता को दर्शाता है जो अपरिवर्तनीय और पुनर्निर्माण योग्य है। उदाहरण के लिए शर्मिलापन एक ऐसा लक्षण है जो आमतौर पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्थिर होता है। कुछ लक्षण जन्मजात होते हैं। शिशु के पास जन्म के समय लक्षण के विकसित करने का आधार होता है, जबकि अन्य को सीखने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि स्वच्छता और अस्वस्थता की प्रवृत्ति। आधुनिक खेलों में व्यक्तित्व के संबंध में अंतरक्रियाएं प्रशिक्षण व्यवहार की समझ के लिए एक अत्यंत लोकप्रिय है, व्यापक रूप से अपनाया गया है दृष्टिकोण। यह एक साथ कार्य करने वाले व्यक्तित्व और स्थिर कारकों के कार्य के रूप में व्यवहार को परिभाषित किया जाता है। अंतक्रियाएं सिद्धांतों के अनुसार किसी भी स्थिति में व्यवहार, व्यक्तित्व और व्यवहार कारकों के दोनों एक ही कार्य होते हैं। हालांकि व्यक्तित्व और स्थिरता व्यवहार को स्वतंत्र रूप से प्रभावित नहीं कर सकता है, लेकिन उनकी बातचीत एक विशेष व्यवहार को प्रदर्शित प्रभावित जरूर करती है। उदाहरण के लिए उच्च शत्रुतापूर्ण विशेषता वाला एक खिलाड़ी आक्रामक व्यवहार में लिप्त नहीं हो सकता। यदि वह उसकी टीम एक बड़े अंतर से जीत रही हो या रचित
लक्षणों वाला एक एथलीट चिंता की स्थिति प्रवृत्ति को प्रतिबंधित कर सकता है अगर उसे नॉकआउट दौड़ से मैच को आखिरी गेंद पर विजेता रन बनने की चुनौती का सामना करना पड़े। व्यवहार पर परिस्थिति और प्रभाव को प्रभावित करने का सामान्य खेल को विभिन्न वातावरण में खेला जा सकता है। उसके बाद दोस्तों इसका यह है कि लक्षण और सिद्धांत यानी ट्रेस ऑफ थ्योरी क्या कहलाती है। मनोविज्ञान में लक्षण और अपेक्षित स्थिर विशेषताओं के रूप में माना जा सकता है जो व्यक्तियों के कुछ खास तरीकों से व्यवहार करने का कारण बनता है। व्यक्तित्व के लिए विशेष दृष्टिकोण व्यक्तित्व के अध्ययन में मुख्य सहायता क्षेत्रों में से एक है। विशेषता सिद्धांत बताता है कि व्यक्तित्व व्यक्तिगत और व्यापक स्वभावों से कैसे बनता है। व्यक्तित्व जो है हमारे तीन कारकों पर आधारित होती है। एक होता है आवृत्ति, प्रगाढ़ता, स्थिरता की विविधता। इसमें प्रवृत्ति क्या होती है, प्रवृत्ति का अर्थ होता है कि एक सामान्य व्यवहार कितनी बार एक अवधि में लगातार दोहराया जाता है। दूसरा जो होता है प्रगाढ़ता, यानी प्रगाढ़ता जो होती है प्रगाढ़ता तात्पर्य उस विशेष व्यवहार की चरम सीमा से है। अगला जो हमारा है स्थिति की विविधता। स्थिति की विविधता यह बताती है कि अलग स्थितियों में सामान्य व्यवहार को कैसे दोहराया जाए, यानी आपको सामान्य व्यवहार कैसे करना है। ये तीनों कारक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद इससे विशिष्ट दृष्टिकोण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कितनी बार अध्ययन करने के पहचान में मदद करती है। विभिन्न परिस्थितियों में सामान्य व्यवहार को चरम स्तर पर दिखाया जा गया है। उदाहरण के लिए यदि कोई एथलीट मिलनसार है तो ज्यादातर स्थिति में एथलीट प्रभावी रूप से सहयोगी होगा और मजबूत टीम वर्क के साथ साथ खेल को मैदान में और बाहर के प्रतिबिंब करेगा। तो ये तो बात जरूर है कि मिलनसार व्यक्ति हो तो मिलनसार व्यक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। इस प्रकार विशिष्ट दृष्टिकोण लोगों की प्राथमिक विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास करता है। विशेषताएं एक अपेक्षाकृत स्थायी विशेषता या गुणवत्ता के रूप में माना जा सकता है जिस पर एक व्यक्ति दूसरे से विभिन्न होता है। आपने देखा ही होगा कि खेल में जो होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सदैव हमेशा भिन्न ही होता है। उसमें संभावित व्यवहारों को एक श्रृंखला शामिल है जो इसी तरह की मांग को अनुसार सक्रिय होता है। कहते 1936 में मनोविज्ञान गार्डन अल्पेट ने पाया कि अकेला एक अंग्रेजी भाषा को शब्दकोश में विभिन्न व्यक्तित्व लक्षणों का वर्णन करने वाले 4000 से अधिक शब्द हैं। तो ये तो बात आपको भी समझ होगी कि एक शब्द को परिभाषित करने के लिए लाखों करोड़ों शब्द होते हैं। गार्डन अल्पेट पहले आधुनिक विशेषता सिद्धांतकारों में से एक थे, ठीक है, और उन्होंने कई चीज़ दिए हैं। उनके जो थे उन्होंने कहा था कि पदन कुरमान उन्होंने व्यवस्थित किया था, एक था कर्नलेस लक्षण, किसी व्यक्ति के व्यवहार हावी होते हैं और उसे आकार देते हैं। वह किसी व्यक्ति को इस हद तक परिभाषित करते हैं कि उनका नाम उसके व्यक्तित्व का पर्याप्त बन जाता है। दूसरा जो है केंद्रीय लक्षण पदन क्रोक्रम में आगे आते हैं। ये सामान्य लक्षण है जो हर व्यक्ति में अलग अलग डिग्री में पाए जाते हैं। बुद्धिमान, ईमानदारी, शर्मीली, ठीक है, चिंतित जैसे शब्दों को केंद्रीय लक्षण माना जाता है। ये बुनियादी निर्माण खंड है जो हमारे अधिकांश व्यवहार के आकार देते हैं, यानी जो हमारा व्यवहार होता है उसको क्या देते हैं दोस्तों, आकार। उसके बाद है माध्यमिक लक्षण यानी माध्यमिक, पदन क्रम में निचले भाग में मौजूद होते हैं और केंद्रीय लक्षणों के सामान्य स्पष्ट और सुसंगत नहीं होते हैं। ये अक्सर केवल कुछ स्थितियों में या विशेष परिस्थितियों में ही प्रकट होते हैं। कुछ उदाहरण में सार्वजनिक बोलने की चिंता या लाइन में प्रतीक्षा करते समय अधीर शामिल होते हैं। अब देखिए क्या है व्यक्तित्व के लक्षण सैडन और गुजुग के लिए बिग 5 लक्षण और सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन वुडवर्थ के अनुसार वुडवर्थ ने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि एक विशेषता व्यवहार की कुछ विशेषता गुणवत्ता है जो व्यक्तियों को उनकी गतिविधियों को एक विस्तृत श्रृंखला में दर्शाती है और जो समय की अवधि को अनुरूप होते हैं। ये एक व्यक्ति की अद्वितीय व्यवहार पैटर्न होते हैं जो उनके सामाजिक परिवेश में एक विशिष्ट पहचान और समायोजन प्रदान करता है। मानव व्यक्तित्व के पहलुओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए कई सिद्धांत विकसित किए गए हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वॉर्थ इसने यही कहा था, ट्रेस फ्रॉम इज द पार्टिकुलर क्वालिटी ऑफ बिहेवियर विच इज द करेक्टराइज द इंडिविजुअल इन द वाइल्ड रेंज ऑफ एक्टिविटी एंड विच इज द फेयरली कॉन्स्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम and these are the unique behaviors a pattern of a person which is to provide him to an unique identities and the adjustment in the social environment. Members is that theory has been to the development to the better understand the concept of a human personality. तो उसके बाद जो है इसने गोल्डन व्यक्तित्व प्रकार यानी जो गोल्डन व्यक्तित्व के प्रकार उन्होंने भी कुछ प्रकार दिए थे, उनके बारे में हम अभी जानेंगे। ये जो थे
1940 के दशक में विलियम हॉर्टन्स ने लोगों के शरीर के प्रकार का अनुसरण किया था। उन्होंने दावा किया कि शरीर के प्रकार के व्यक्तित्व के जोड़ा जा सकता है। विलियम हॉवर्स एडन के अनुसार शरीर लक्षणों के आधार पर तीन प्रकार से व्यक्तित्व होते हैं जिन्हें साइटोसाइंस के रूप में जाना जाता है। तो देखते हैं इनके कौन कौन से प्रकार थे। पहला तो था एंडोमॉर्फ, यानी एंडोमॉर्फ ऐसे व्यक्तित्व के बाजू या टांग छोटी होती है और शरीर के बनावट थोड़ा सा गोल मटोल होती है। इसमें व्यक्तित्व के एंडिपोल्स नामक उत्कों का जमाव अधिक होने के कारण उनके अंग छोटे प्रतीत होते हैं, यानी जो इसमें होते हैं एंडिपोल्स नामक उत्तक होते हैं उनके जमाव की वजह से ऐसा होता है। बाजू और टांगों के ऊपरी हिस्से नीले वाले हिस्से की अपेक्षा विशेषता अधिक होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए शरीर के भार को कम करना अत्यंत जटिल कार्य होता है। शरीर को भार अधिक होने के कारण ऐसे व्यक्तियों को खेलों में भाग लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एंडोमॉर्फ व्यक्ति के लिए ऐसे खेल जिनमें शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है जैसे भारोत्तोलन, पावर फेटिंग्स आदि अधिक सुविधाजनक एवं उपयुक्त होते हैं। दूसरा जो है इसमें मेसोफोल्स, मेसोफोल ऐसे व्यक्ति के शरीर की बनावट एथलीट के शरीर रचना संतुलित होती है जिसकी मांसपेशियों के आकार जल्दी या आसानीपूर्वक बढ़ता है। ये शरीर के रूप में बहुत सी क्रियाओं करने योग्य होते हैं तथा शरीर के रूप में आक्रामक होने की प्रवृत्ति होती है। वो ऐसे खेलों में श्रेष्ठ सिद्ध कर सकते हैं जिनमें अधिक शक्ति कम अवधि में अधिक ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। उसके बाद जो हमारा है एक्सोमोफो, ऐसे व्यक्ति जैसे स्लिम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है क्योंकि उसके अंग या मांसपेशियां काफी लंबी होती है। इनके शरीर का ढांचा कमजोर होता है तथा भार को बढ़ने में प्राय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों में अधिक शक्ति नहीं होती है लेकिन वे सहन क्षमता को संबंधी खेलों में अपना वर्चस्व या प्रभुता रखते हैं क्योंकि उनमें सहन क्षमता जो होती है काफ़ी होती है क्योंकि उनके शरीर का प्रकार इस प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए प्राकृतिक रूप से उपयुक्त होते हैं। भाषा को जलाने के लिए उनका अपचयन तेज हो जाती है। उनके शरीर का हल्का ढांचा उन्हें जिम्नास्टिक जैसे एरोबिक्स क्रियाओं के लिए उपयुक्त बना देता है। तो इस प्रकार जो है इनका कार्य करते हैं। अगला जो है हमारा जुंग का व्यक्तित्व के प्रकार का वर्गीकरण, जुंग यानी क्लासिफाइड पर्सनालिटी ऑफ टाइप्स, ऐसे एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, आपको अजीब लगता हो लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। स्विस मनोविचिकित्सक कॉस गुलस जंग ने किसी व्यक्ति के व्यवहार पैटर्न को दृष्टिकोण के समक्ष आधार पर व्यक्तियों के प्रकार दिए थे। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति या तो बाहरी दुनिया या विचार या भावनाओं के आंतरिक दुनिया से सक्रिय होते हैं यानी सामाजिक प्राकृतिक में बहुमुखी और या अंतमुखी कहलाते हैं। उन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार को मोटे तौर पर तीन श्रेणी में बांटा था। एक तो बांटा था यानी वही मुखी, ठीक है, यानी बाहरी या बाहरी दुनिया के लिए खुला। दूसरा था अंतमुखी, विचारों को आंतरिक दुनिया तक सीमित करना। उसके बाद उदयमुखी, उपयुक्त दो लक्षणों के विन्यास यानी दोनों का उत्पाद। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा था बहुमुखी यानी एक्सपोर्टर वर्डेड, ये विचार की बाहरी दुनिया को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। यह हम स्वभाव को मिलनसार कह सकते हैं। उन्होंने सोशल डेमेंट का बहुत ही शौक रखते थे। अलग अलग लोगों में से उन्होंने एनर्जी की साहस होता था। वो समाज के विभिन्न स्थितियों के लिए सामंजस्य अनुकूलन और उनके पास हास्य की एक बड़ी भावना थी और लोगों को वो क्या करते थे तनाव मुक्त करने के लिए हर तरह की कोशिश अवसादों का उपयोग करते थे। ये उनका था बहुमुखी विचारधारा में आता था। उसके बाद था अंतमुखी इंटरवर्टेड, वो अपने विचारों और आंतरिक दुनिया या स्वभाव द्वारा केंद्रीय आत्म केंद्रित होने का आनंद लेते थे। वे सामाजिक समारोह में बेचैनी और शर्म महसूस करते थे इसलिए वे अपनी बाहरी दुनिया में विभिन्न स्थितियों को समायोजित और अनुकूल करने में असमर्थ रहते थे। वो अपने स्वभाव को बहुत सतर्क और आरक्षित रखते थे। वे आसानी से तनाव और अवसाद में चपेट में आ जाते थे। तो ये इनका था अंतमुखी। उसके बाद है उदयमुखी। उदयमुखी से आप समझ सकते हो किस प्रकार व्यक्तित्व विशेष रूप से उनके आंतरिक और बाहरी विचारों के दुनिया के प्रति संतुलित दृष्टिकोण या निकटता को दर्शाता है। ये लोग बहुत ही विचारशील होते हैं, कई बार काफ़ी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने उन्हें सामाजिक व्यवहार में पुण्यतावादी के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है व्यक्तित्व कार्य पर आधारित वर्गीकरण नीचे दिए गए हैं, यानी व्यक्तिगत कार्य पर आधारित। तो सबसे पहले व्यक्तिगत कार्य पर आधारित वर्ग कैसे वर्गीकरण करोगे, सबसे पहले तो आपका आता है अनुभव यानी फीलिंग। तर्क के बजाय लोगों पर मूल्य और भावों के आधार पर निर्णय लेना एक प्राथमिकता है। लोग स्थिति को समझने और उसको अनुसार व्यवहार करने के लिए अपने भावनात्मक पहलुओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये तो फीलिंग में आ जाती है। उसके बाद है सोचना यानी थिंकिंग। थिंकिंग मतलब आप समझते ही होंगे कि प्रमाण और लागू सिद्धांतों के आधार
विचार पर उद्देश्यपूर्ण रूप से निर्णय लेने की क्षमता को सोचने के रूप में परिभाषित किया जाता है। लोग बाहरी दुनिया को निपटाने के लिए तर्क और औचित्य के साथ जानकारी का मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद महसूस करना है सेंसिंग। सेंसिंग तथ्यों और आंकड़ों और विवरणों के माध्यम से दुनिया को समझने के लिए प्राथमिकता से लोग अपनी इंद्रियों का उपयोग जानकारी के लेने के लिए करते हैं। वह अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए देखने और सुनने में अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद सहज ज्ञान इंटेंसिटी। आप देख सकते हो कि इंटेंसिटी जो होती है अज्ञान अवधारणा सिद्धांत और अमूर्ताओं के माध्यम से दुनिया को समझने के लिए एक प्राथमिकता को चिन्हित करता है। स्थिति और अपने आसपास के लोगों को समझने के लिए लोग अपनी धारणा और अंत ज्ञान का उपयोग करते हैं। कभी कभी इसे एक व्यक्ति से छठी इंद्रियों के रूप में भी इंद्रित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्तित्व के लिए पांच सिद्धांत जो माना गया है वो है आपका, ठीक है, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के लिए खुलापन, कर्तव्यनिष्ठ, विमुखता और सहजता और मनोविद्या। ये सारे चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलो देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो दोस्तों सबसे पहला जो आता है खुलापन, ओपननेस, यह नई गतिविधियों की कोशिश करने की इच्छा की विशेषता है। जो लोग इस विशेषताओं में उच्च होते हैं वे अधिक साहसी और रचनात्मक होते हैं। वे दुनिया और अन्य लोगों के बारे में उत्सुक होते हैं और नई चीज़ों को सीखने और नए अनुभवों को अंदर लेने के लिए उत्सुक होते हैं। इसी विशेषता में कम लोग अक्सर अधिक पारंपरिक होते हैं और अमूर्त सोच के साथ संघर्ष कर सकते हैं। वो अपरिचित परिस्थितियों में सहज महसूस करते हैं और अपरिचित वातावरण पसंद करते हैं। तो ये जो होता है खुलापन यानी ओपननेस काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगला जो हमारा है कर्तव्यनिष्ठ यानी कॉन्स्टेंसिस। उस स्तर को कर्तव्यनिष्ठ वाले लोग विश्वसनीय और सरल होते हैं, ठीक है। मानक सुविधाओं में उच्च स्तर की विचारशीलता, अच्छे आवेग नियंत्रण और लक्ष्य निर्धारण व्यवहार शामिल होता है। जो लोग कर्तव्यनिष्ठ होते हैं वे अपने कार्य और अपने व्यवहारों को परिणामों के बारे में सचेत लोगों की तुलना में अधिक जागरूक होते हैं। अत्यधिक कर्तव्यनिष्ठ लोग संगठित होते हैं और विवरण के प्रति सचेत रहते हैं। वे आगे की योजना बनाते हैं और सोचते हैं कि उनका व्यवहार दूसरे से कैसे प्रभावित करते हैं और समय सीमा के प्रति सचेत हमेशा बने रहते हैं। उसके बाद जो दोस्तों है इनका है बहुमुखता। बहुमुखता जैसे नाम ही से आपको समझ में होगा, एक्स्ट्रा वर्जन। बहुमुखता की विशेषता विनम्रता मान सामाजिक रूप से असंत व्यवहार है, ठीक है। ये नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं और अजनबियों से अपना परिचय देखकर खुश होते हैं। जो लोग बहुमुखी होते हैं वे बाहर जाने वाले होते हैं और सामाजिक परिस्थितियों में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। वो अन्य लोगों के आसपास रहने से उन्हें ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करने में मदद मिलती है। जो लोग बहुमुखीता में कम होते हैं वे अधिक संकोची होते हैं यानी वो शर्माते अधिक हैं। उसके बाद है दोस्तों स्वीकर्ता यानी अग्रीवनेस जो होती है। ये व्यक्ति मिलानसार, भरोसेमंद और दयालु स्नेही होते हैं। जो लोग सहमत होने में उच्च होते हैं और अधिक सहयोगी भी होते हैं, जबकि इन विशेषताओं में कम लोग अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होते हैं। उसके बाद जो हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है मनोविशेषता यानी मनोविशेषता को कभी कभी भावनात्मक स्थिति भी कहा जाता है। ये आयाम किसी की भावनात्मक स्थिरता और नकारात्मक भावनाओं के डिग्री से संबंधित है। जो लोग विविधता पर उच्च स्कोर करते हैं या अक्सर भावनात्मक अस्थिरता और नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं, लक्षणों में मूडी और तनावपूर्ण होना शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक हमारा बी पार्ट नहीं था, ए पार्ट था। ये बी पार्ट हम अगले टॉपिक में करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं फिर से कहना चाहूँगा, अभी भी लाइक शेयर नहीं कीजिए कर दीजिए। हम अगले वीडियो मिलेंगे इसके बी पार्ट में। बी पार्ट भी है, बहुत मज़ेदार होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चैप्टर मैं पहले कह चुका था कि ये चैप्टर थोड़ा सा गंभीरतापूर्ण चैप्टर है। ये चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप लोग नहीं कर पाते हो, इसलिए इस चैप्टर को बार बार समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लास्ट का चैप्टर है और लास्ट के चैप्टर में से एग्जामिनर जरूर देता है। तो इसको बहुत ही समझदारी के साथ कीजिए, ठीक है। इसमें जो पढ़ेंगे वो है अभिप्रेरणा के प्रकार एवं किस्म और तकनीक यानी मोटिवेशन, इट इज़ अ टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, कि मोटिवेशन करने के कौन कौन से तकनीक हैं। आपको पता है कि मोटिवेशन का मतलब यही होता है कि कोई व्यक्ति अगर गलत कोई रास्ते पर जा रहा है या कोई हताश हो गया है तो आप उसको सही रास्ते और सही मार्गदर्शन करके उसको सही रास्तों पर ले जाओ, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये एग्ज़ाम व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि आपके 9 चैप्टर है तो इसीलिए ये और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि लास्ट चैप्टर कोई बच्चा नहीं देखता है, ठीक है। तो इसलिए पहले मैं एक बार करना चाहूँगा, अभी भी कोई दोस्त है महीम है, ठीक है, उसको
इस वीडियो के बारे में बताइए, चैनल के बारे में बताइए। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ज़रूर बताऊंगा कि जो वीडियो होती है उसके सारे पार्ट देखा कीजिए ध्यान से। आपको एग्ज़ाम के लिए कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना फालतू के आपको कुछ और चीज़ देखने की ज़रूरत पड़ेगा। ये मेरा विश्वास है, अगर एक बार आप समझ लीजिए, अगर मेरी जो वर्डिंग लिखी होती है उसको लिख लीजिए, मेरा विश्वास है चैप्टर आपको 100% तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर में क्या है, इसमें कहा गया है कि मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा के प्रकार और किस्म तकनीक के बारे में हमने चर्चा करना है। तो सबसे पहले यही आता है कि अभिप्रेरणा किसी भी उपाधि में एक महत्वपूर्ण कुंजी है, चाहे वो अकादमिक या शारीरिक शिक्षा और खेलों में भागीदारी हो। अभिप्रेरणा के विभिन्न रूप की समझ प्रेरणा के अर्थों को समझने के लिए आवश्यक है कि मानवीय मनोविज्ञान के क्षेत्र में अभिप्रेरणा के बहुत ही उत्तेजक और महत्वपूर्ण है। अभिप्रेरणा का मानव जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। आपको पता है यहाँ पर इसने मनोविज्ञान बात बोली है, तो मनोविज्ञान का मतलब यही बात होती है कि आपको पता है कोई भी साइकेट्रिस्ट जो होता है आपको प्रेरणा ही देता है, आपको सही गाइडलाइन देता है, आपका सही वो कंक्लूजन देता है, तब जाके आपको जो गलत अगर रास्ते पे हो तो सही रास्ते पे आते हो, अगर हताश हो तो सही हो जाते हो। तो प्रेरणा का मोटिवेशन का मतलब ही होता है कि कोई व्यक्ति अगर हताश हो गया है तो उसको सही रास्ता दिखाएं। आपको पता है कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से शब्द से हुआ है, लैटिन वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब होता है मोवेल से हुआ, जिसका अर्थ है बदला लाना, यानी टू द चेंज, टू ए मूव। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। गति करना, ये किसी, ये गति इसका मतलब होता है, टू मूव ये गति करना या टू चेंज गति करना, अर्थात किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंतरिक इच्छा या ताकत द्वारा कार्य करने के लिए उत्साहित होना। ठीक है, यानी आप आंतरिक क्रिया द्वारा क्या होगे, उत्साहित होते हो। अभिप्रेरणा का अर्थ ये भी समझा जा सकता है कि किसी विशेष लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों को विशेष समय पर विशेष रूप से व्यवहार करने के विवश करना या उकसाना या ऊर्जा प्रदान करना। आपको पता है कि मोटिवेशन आज जो है, आज के समय में मोटिवेशन बहुत ही गलत रास्तों पर चला जा रहा है। आज व्यक्तियों को गलत बातें बता बता के उसको मोटिवेशन कर करके आज जो है अपराध गति बढ़ती चली जा रही है। तो मोटिवेशन ऐसे शब्दों के लिए होना चाहिए जो हमारा देश कल्याण और जग कल्याण के लिए हो। ठीक है, अभिप्रेरणा एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारक है जो प्रदर्शन को प्रभावित करता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत ही काफ़ी डीप डिप्रेशन में चला गया है, अगर आप उसको मोटिवेट कर देते हो तो वो शायद, कहते हैं ना कि एक बुरे इंसान से भी अच्छा इंसान बन जाता है अगर एक अच्छा गुरु मोटिवेशन करने के लिए मिल जाए तो। तो यही जरूरी है, अभिप्रेरणा का अर्थ किसी कार्य को रोक करने के लिए व्यक्ति को तैयार करना। याद रखना, सिंपल शब्द में क्या होता है मोटिवेशन का अर्थ, कि किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को तैयार करना, यानी कोई भी कार्य है उसको करने के लिए रेडी करना। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी डेफिनेशन है। अभिप्रेरणा प्रभावित किसी भी विशेष कार्य या विशेष व्यवहार को और आग्रित करने के कारण है, जोश या रुचि बढ़ाना होता है। कोई भी कार्य के लिए जोश और रुचि को क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं। अभिप्रेरणा जीवन के प्रत्येक कार्य में सम्मिलित होती है। साधारण कार्य जैसे भोजन खाना, ठीक है, भोजन खाना, पानी पीना, भूख और प्यास द्वारा अभिप्रेरित होती है। आपको पता ही है, बच्चों का खाना नहीं खाते तो हम उसको प्रेरणा देते हैं, डराते हैं, तब जाके बच्चे खाना खाते हैं। तो आपने पता ही होगा, पानी पीने के लिए भी कहते हैं बच्चे पानी पी लो नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरह से क्या है, ये एक तरह से मोटिवेशन ही होती है। ठीक है, बहुत से साइंटिस्टों के अपने अपने विचार हैं। ठीक है, इसमें जो है इसका एलिजाबेथ ने कहा था कि प्रेरणा व्यवहारों के लिए निर्देशित और प्रतिबल है। उसी तरह से जे के अनुसरण ने कहा था कि प्रयास के लिए बाध्य करना अभिप्रेरणा कहलाता है, यानी किसी व्यक्ति को बार बार प्रयास करने के लिए उसको बाध्य करना ही मोटिवेशन कहलाता है, यानी ड्राइव टू द स्टीव इज कॉल टू मोटिवेशन। ठीक है, या कह सकते हो कि मोटिवेशन इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ और श्योर टू कटेंशन ऑन द इंडिविजुअल, यानी इसको एल्डर मैन के अनुसार इसने बात बोली थी। तो सबके अपने डेफिनेशन है, आप किसी दो के डेफिनेशन अपने माइंड में रख लीजिए, इतना याद रखिए किसी इसको, ठीक है, प्रयासों को बढ़ाने को अभी अभिप्रेरणा कह सकते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। लेकिन अभिप्रेरणा में इस बात को निर्धारित नहीं करता है कि हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये जरूरी है कि आपको सही रास्ता दिखाया जाता है, लेकिन ये बात को आपको नहीं किया जाता है कि आपका प्रदर्शन अच्छा ही होगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कितना तैयार थे। ठीक है, अभिप्रेरणा केवल फुटबॉल खिलाड़ियों की टीम में व्यवस्थित करने में काफ़ी नहीं है, उसमें आवश्यक स्वास्थ्य, आकार, कौशल, बुद्धिमत्ता, अवसर, क्षेत्रीय बल होना भी अनिवार्य है। तो बात तो इसमें सच्चाई है, अगर आप मान लो आपको हम मोटिवेशन कर देते कि आप पहाड़ पर चले जाओगे तो आप थोड़ी ही चढ़ जाओगे, इसके लिए आपके शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी होता है, बुद्धिमत्ता भी होता है, स्वास्थ्य आकार भी होता है, कौशल भी होता है, अवसर, क्षेत्रीय, सारी चीज़ें इसमें डिपेंड करता है। मोटिवेशन का मतलब यही है कि आपको प्रोत्साहित करना और आपको कार्य करने के लिए विवश करना और आपको सही मार्गदर्शन करना। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कैपेबल हो, करने लायक हो, तभी वो चीज़ को आप कर सकते हैं।
अब यहाँ पर आता है कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, मोटिवेशन आपको दिमाग में सिर्फ याद रखना है कि दो प्रकार के होते हैं। ये आंतरिक अभिप्रेरणा होती है और एक होता है बाहरी अभिप्रेरणा। आंतरिक अंदर का, बाहरी बाहर का। आंतरिक जो हम अंदर तक प्रेरणा देते हैं, तो आंतरिक में क्या आता है? आंतरिक में सिर्फ इतना ही आता है कि आंतरिक शब्द पदों पर जो है पद जत पदे पब सबसे लिया गया, जिसका अर्थ है भीतर की और। यह वास्तविक की अर्धुनी अभिप्रेक्षण होती है, यानी अर्धुनी के मतलब समझते हो कि अंदर की होती है। ये व्यक्तियों के अंदर की इच्छा होती है जो उसी किसी गतिविधियों के लिए प्रेरित करता है। आप लोग को भी इच्छा होती है खाना खाने के लिए, बट हम क्या करते हैं, नहीं खा पाते हैं, तो हम उसको प्रेरणा देते हैं कि भाई खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक तरह के ये प्रेरणा ही हो गया। कई बार ये भावनात्मक भी हो सकती है, तो जैविक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, व्यक्तिगत भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, आदि आवश्यकताओं पर निर्भर करती है कि कैसा हालात हमारे पास सिचुएशन आई है। आंतरिक अभिप्रेरणा का अर्थ उस आंतरिक इच्छा से है जो कि हमें कुछ करने या किसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। यह खुशी पाने के लिए हो सकता है। आंतरिक रूप से प्रेरित व्यवहार इनाम गतिविधि ही है। आंतरिक प्रेरणा में इन गतिविधियों को खोजना और शामिल करना शामिल होता है, जिसमें हम किसी भी बाहरी इनाम की संभावना के बिना चुनौती, दिलचस्पी और आंतरिक रूप से पुरस्कृत करते हैं। यानी आपको ये होता है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो वो अपनी इच्छाओं से और अपने लिए कर रहे हो। उपयुक्त और सुखद कार्य और गतिविधियों के माध्यम से व्यायाम करना, आसानी क्षमता की खोज करने वाले लोग प्रेरणा का एक उदाहरण है जो भीतर से उभर रहा है, इसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। यानी बंदों को आंतरिक जो उसके अंदर उभर रहा है, धीरे धीरे वो नए गतिविधियों में शामिल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने उसको मोटिवेट करके आंतरिक प्रेरणा दिया है। दूसरा जो हमारा है दोस्तों, वो है बाहरी अभिप्रेरणा, यानी एक्साइटिक्स मोटिवेशन। ये आप समझ सकते हो, बाहरी मतलब होता है ऊपरी। जैसे बाहरी शब्द लैटिन शब्द एक्सोस्टिसिस से लिया गया, जिसका अर्थ है बाहर की ओर। यह हमेशा बाहर से होता है। यह तब होता है जब कोई बाहरी कारक किसी व्यक्ति को दूसरे के कुछ करने के लिए तैयार करते हैं, कुछ व्यक्ति को हम बाहरी तौर से तैयार करते हैं। ये प्रेरक करके किसी पुरस्कार दिलवा सकता है, इनाम, सामाजिक पहचान, नौकरी, अध्यापक, माता पिता के रूप में हो सकते हैं। जैसे आप किसी को बाहरी तौर पे कहते हो भाई काम कर ले, या ये कर ले, या नौकरी देते कर ले, तो इससे क्या होता है, हम उसको बाहरी तौर से उसको प्रेरणा दे रहे हैं। इस प्रकार की प्रेरणा को बाहरी अभिप्रेरण कहा जाता है। इस प्रकार के पुरस्कार व्यक्तियों को खुशी और मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। बाहरी तत्व व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और व्यक्ति किसी गतिविधियों में रुचि लेना आरंभ कर देता है। यह किसी पुरस्कार या सामाजिक लोकप्रियता, नगद इनाम आदि के लिए हो सकते हैं। जब व्यक्ति इस सभी में रुचि लेता है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति बाहरी रूप से प्रेरित हो रहा है। यह सहज आग्रह वजह या पदक या पुरस्कार जीतने के लिए खेलों में भागीदारी बाहर प्रेरणा का उदाहरण होता है। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को हम क्या करते हैं, बाहरी तौर से उसको उत्साहित करते हैं जिससे कि वो कार्य कर सके। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है खेलों में अभिप्रेरणा या प्रेरणा की तकनीक, यानी टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन इन स्पोर्ट। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन इन स्पोर्ट, इसे आप समझ गए होगा कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। खिलाड़ियों के लिए अभिप्रेरणा के विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हैं वो। आपको पता ही कि तरह तरह के खेलों का प्रयोग करते हैं। ये जो खेल क्रीड़ा होती है उसमें उन्होंने उच्चतम स्थिति प्राप्त करने में सहायता होती है, ठीक है। टेक्निक जो होती है उनको उच्चतम स्थान प्राप्त करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है। आपको भी पता है अगर आपके पास टेक्निक नहीं है तो क्या आप खेल में अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे? अब प्रदर्शन करोगे तब ना, तब जो आपकी जब आपके पास टेक्निक होगी। कोई भी चीज़ टेक्निक से की जाती है, चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी हो। अगर आप टेक्निक से याद करते हो, तो छोटे छोटे पॉइंटों से याद करते हो सकता है कि आपके अच्छे नंबर या अच्छा परसेंटेज चला जाए। लेकिन आप रटने में बैठे हुए हो, ना समझ रहे हो ना कुछ, तो शायद इससे आपको प्रॉब्लम बढ़ता ही चला जाएगा। सबसे पहले इसमें जो आता है हमारा टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन में, वो होता है संज्ञात्मक दृष्टिकोण, यानी कॉन्जेटिव अप्रोच। आपको संज्ञात्मक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके लिए हम क्या कहते हैं, प्रेरणा के संज्ञात्मक दृष्टिकोण। आपके प्रेरणा को समझने के लिए आपको विचार, विश्वास और दृष्टिकोण पर निर्भर करना पड़ता है कि विचार भी करना पड़ेगा, विश्वास भी करना पड़ेगा, दृष्टिकोण भी आपको अच्छे रखने पड़ेंगे। ये मानते हैं कि व्यवहार सक्रिय प्रसंस्करण और सूचना की व्याख्या में परिणाम स्वरूप निर्देशित होती है। अभिप्रेरणा को प्रक्रिया को एक अपने आप जन्मजात घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि इसकी जानकारी के आधार पर व्यवहार को एक क्रिया और घटना के रूप में देखा जाता है। पिछले अनुभवों के आधार पर अपेक्षित विशेष लक्ष्यों को प्रति व्यवहार को निर्देशित करती है। संज्ञात्मक प्रेरणा सिद्धांत की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को प्रत्यक्ष मूल्यन सिद्धांत और लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत शामिल होता है। कहते हैं 1964 में विस्टर एच मूस द्वारा प्रस्तावित एक्सपोटेंसी थ्योरी उस व्यवहार प्रक्रिया को व्याख्या करती है जिसमें एक व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति व व्यवहार का विकल्प का चयन करता है और यह निर्णय उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य को संबंध में कैसे किया जाता है इस बात पर डिपेंड करता है। उसके बाद दोस्तों है इसमें कि हमारा इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप संज्ञात्मक दृष्टिकोण रखते हो तो सबसे पहले तो आपको लक्ष्य निर्धारण करना बहुत जरूरी है, यानी गोल सेटिंग होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो आप शायद उस कार्य को पूरा न कर सको, ठीक है, क्योंकि अगर आप जब तक अपना गोल नहीं रखोगे तो आप कैसे कर लोगे। कहते हैं कि गोल जितना सही रहता है उतना अच्छा रहता है, क्योंकि गोल अगर आपने शुरू से नहीं बना रखा है तो आप जाओगे कहाँ, आप तो इधर उधर भटक रहे होगे। तो क्योंकि यही कहा गया कि लक्ष्य निर्धारण करना प्रेरणा की एक अति लाभदायक तकनीक है, यदि आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हो तो आप जीवन में विशिष्ट स्थिति प्राप्त नहीं कर पाओगे, जो मर्जी आप कर लो आपको अच्छा स्थान प्राप्त नहीं होगा। अंततः खिलाड़ियों को कुछ उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए उत्साहित करना चाहिए, परंतु यह उद्देश्य लंबे समय के लिए और प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। उन्हें अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार निर्धारित करना चाहिए। उदाहरण, यदि एक खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में स्थान प्राप्त करना चाहता है तो उसे मध्यम और लघु काल के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, जिसमें एशियाई खेलों और राष्ट्रीय खेलों का स्थान प्राप्त करना शामिल है। इसका मतलब क्लियर हो चुका है कि अगर आपको इंटरनेशनल खेल में अगर विजय प्राप्त करना है तो पहले आपको छोटे लेवल खेल खेलना पड़ेगा। जब छोटे लेवल पर आप काफ़ी कुशल हो जाओगे, आपकी गलतियों का सुधार हो जाएगा, तो आप नेशनल खेलोगे तो 100% है जो कि आपके अच्छे से अच्छा जो हो उसमें प्राप्त होगी। इस तरह जो है लक्ष्य निर्धारित आधार पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो कहता है शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण, यानी पेडागोलॉजिकल अप्रोच। पेडागोलॉजिकल अप्रोच में देखते हैं दोस्तों क्या है। इसमें इतना ही कहा गया कि शिक्षा शास्त्र का अनुशासन है जिसमें सिद्धांत और अभ्यास शामिल होता है, और सबसे अच्छा यह बात होती है कि खेल प्रशिक्षण में उपयोग किए जाने वाले शिक्षण कोचिंग शिक्षा शास्त्र एथलीटों के वंदित व्यवहारों को निर्देशित इसमें की जाती है कि उनका व्यवहार कैसा रहेगा, इस बात को निर्देशित की जाती है, बनाए रखने में काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती है इन चीज़ों के लिए। प्रशिक्षण सुखद बनाना, निर्णय लेने में एथलीटों को आकर्षक बनाना, एथलीटों को बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्रदान करना, प्रेरणा के लिए आवश्यक घटना देना, उदाहरण देना, एग्जाम्पल देना, तो कुछ जो मोटिवेशन उन्हीं के है जो शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार, ठीक है। तो इसमें ही आप देखोगे शिक्षा शास्त्रियों यानी जो शिक्षा देते हैं उनके भी अच्छे दृष्टिकोण होना चाहिए, और वो उनका जो होना चाहिए मेनली मोटिवेशन कि जो खिलाड़ी है उसमें अच्छे से अच्छे उनके प्रतिभा को तराशा जा सके। तो सबसे पहले तो तराशने के लिए हमने यही देना है कि निर्देशित खोज विधि, यानी सबसे पहले तो आपको खोजने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि आईपीएल मैच में जो खिलाड़ी चयन किए जाते हैं पहले छोटे मोटे लेवल पर उनको खिलाया जाता है, आपको पता ही होगा कि हर स्टेट पर खिलाया जाता है, वहाँ से जो बेस्ट विकेटर हो या बॉलर हो या बैटर हो उनको सिलेक्शन की जाती है, तब जाके उसको आईपीएल में खिलाया जाता है। तो कोई भी खिलाड़ी को चयन करने का भी गुरु का ही सबसे बड़ा साधन होती है, और गुरु ही जो है उसको परख सकता है कि इसमें क्या मतलब गुण होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है निर्देशित खोज विधि यानी गाइडेड डिस्कवरी मेथड। ये जो है गाइडेड डिस्कवरी एक शिक्षण और सिखाने के माहौल को संदर्भित करता है। यहाँ छात्र सक्रिय रूप से ज्ञान की खोज में भाग लेते हैं, ठीक है। एथलीट्स अत्यधिक प्रेरित होते हैं यदि उन्हें समस्याओं का समाधान करने की अनुमति दे दी जाती है, बजाय इनके कि उन्हें केवल निर्देश के अनुसार काम करने के लिए कहा जाता है। एथलीटों को निर्णय लेने में संलग्न करने के अवसरों के साथ सहकारी शिक्षण प्रशिक्षण की दिशा में एक प्रभावशाली नीति बनाई जाती है कि उनको कैसे निर्देशित करें, कैसे समझाएं कि वो जो है अपने चीज़ों में बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें। उसके बाद दोस्तों है कि कीमत प्रक्रिया प्रणाली यानी वैल्यूबल फीडबैक सिस्टम। एथलीट को लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के लिए राजी करने के लिए उन्हें एक मजबूत समर्थन प्रणाली प्रदान की जाती है। फीडबैक शिक्षक और कोच छात्रों को एथलीटों को प्रदान करते हैं जो सही शिक्षा और खेल सेटिंग में उनकी उपलब्धियों को प्रभावित करते हैं। प्रतिक्रिया प्रदान करना प्रभावी प्रेरणा की और एक प्रभावी साधन है यानी एक बहुत ही प्रभावशाली साधन है कि कीमती यानी उसकी वैल्यूएबल फीडबैक कैसे ली जाती है, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज़ें हैं। उसके बाद है मनोरंजन आधारित प्रशिक्षण फन बेस्ड ट्रेनिंग। इसमें यही बात होती है कि उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए एथलीट के लिए प्रशिक्षण चुनौतीपूर्ण और कार्य उन्मूलन होना चाहिए। हालांकि एथलीटों को प्राप्त ड्राइव और ऊर्जा प्रदान करने के लिए उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित विधियों का मज़ेदार और सुखद होना चाहिए। मान लीजिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो इनका ये नहीं है कि आप कड़े से कड़े ट्रेनिंग दें, उनको मज़ेदार और फनी ट्रेनिंग बनाइए जिससे क्या हो कि वो मज़े से भी कर ले और सीख भी जाएं। बहुत से फिल्मों में आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि कुछ सिखाने के लिए, ठीक है, सिखाने के लिए टेक्निक बताते हैं, वो उसको कुछ और काम करवाते हैं और सीख कुछ और रहे होते हैं, और बाद में देखते हैं कि हाँ सच्ची में उसके पास वो गुण आ चुका है। बहुत से आपने देखा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो एक मज़ेदार वातावरण बनाने में आनंद का स्तर बढ़ता है, प्रशिक्षण भार की निरंतर मांगों को कम करता है, अंततः यह प्रदर्शन में बहुत काफ़ी सुधार भी करता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें जो है आप कर सकते हो, एक ठीक है। उसके बाद है व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स यानी ITP, ठीक है। प्रत्येक एथलीट
अद्वितीय विभिन्न एथलीट्स विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण मार्गों को अलग अलग प्रक्रिया देते हैं। व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम को विकसित करना महत्वपूर्ण है जो एथलीटों को अपना लक्ष्य, चुनौती और कठिनाई स्तर निर्धारित करने में मदद करते हैं, जो न केवल उन्हें वर्न आउट से बचाने में मदद करेगा बल्कि उन्हें प्रेरणा भी रखेगा कि भाई कैसे हमें इसको करना है। उसके बाद है सामाजिक मदद रणनीति यानी सोशल सपोर्ट स्टेज, यानी खेलों में व्यायाम और भाग लेना एथलीटों के आसपास के लोगों की धारणा को बहुत ही प्रभावित होती है। सहकारी समूह परिवार सदस्यों को और दोस्तों को सकारात्मक सामाजिक समर्थन में स्वास्थ्य आयतों और विकसित करने में व्यायाम के कार्यों को बनाए रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एथलीट को प्रदान किया गया सामाजिक समर्थन उसे खेल व्यवहार को दृष्टि के लिए बनाए रखने में काफ़ी मदद मिलती है। हमेशा जो है जो व्यक्ति खिलाड़ी है उसको प्रोत्साहन देना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है उसको अपना जो खेल प्रक्रिया है उसको बनाए रखने में बहुत ही मदद मिलती है। खेल गतिविधियों में सामूहिक गतिविधियों के परिवार और साथियों को भागीदारी शुरू करने के लिए खेल और व्यायाम में भागीदारी बढ़ाने में मदद भी मिलती है कि व्यक्तियों को व्यायाम भी करवाया जाए। ठीक है, ये तो सामाजिक मदद होती है। आपको पता है अगर अच्छा समाज है, अच्छा सपोर्टर समाज है तो जनरल सी बात है बच्चे जो हैं अच्छे से अच्छे प्रोग्रेस जरूर करेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है सुविधा दृष्टिकोण यानी फैसिलिटेशन अप्रोचिंग, इसमें यही होती है सबसे पहला बात तो यही आता है रिवॉर्ड यानी पुरस्कार, यह खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्रोत्साहन है और कई बार बहुत कारगर भी साबित होता है। नगद पुरस्कार और ट्रॉफी खिलाड़ियों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए जो है खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है, खासकर यदि वह वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हो पुरस्कार उन्हें पहचान दिलाने में बहुत ही मदद करता है। यानी जो गरीब होता है अगर मान लो उसको पैसा अगर मिल रहा होगा कहीं से खेलने से तो वो काफ़ी प्रोत्साहित होता है और वो खेलने में और भी अच्छा रुचि दिखाता है और बेस्ट से बेस्ट प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। उसके बाद है परफॉर्मेंस ऑफिशियल यानी प्रदर्शन का मूल्यांकन। आप देखिए कोई प्रदर्शन करेगा तो उसका मूल्यांकन भी तो करना जरूरी है कि भाई उसका प्रदर्शन कहाँ पर जा रहा है। तो एक प्रदर्शन मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक मूल्यकर्ता या मूल्यकर्ता किसी कर्मचारी को प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। अधिक विशेष रूप से एक प्रदर्शन मूल्यांकन अवधि के दौरान मूल्यकर्ता किसी व्यक्ति के प्रदर्शन का निरीक्षण करे, उसके साथ बातचीत करे और उसका मूल्यांकन करे। ये एथलीट्स के बीच आत्मविश्वास के साथ भविष्य की कार्रवाई और उत्कृष्टता को खोज के लिए ड्राइव बनाता है। ये उन्हें निर्देशित और कार्य को सुगम बनाता है। उसके बाद दोस्तों है गुणवत्ता समर्थन और सुविधा यानी क्वालिटी सपोर्ट एंड फैसिलिटेशन। ये भी बहुत जरूरी है। गुणवत्ता तो आप समझ ही चुके होंगे, क्वालिटी किसी में क्वालिटी लाना बहुत जरूरी है। किसी कार्रवाई के लिए प्रेरणा की राशि को प्रभावित होती है एथलीट्स के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, और लेकिन प्रभाव तभी बड़ा होता है जब समर्थन और गुणवत्ता उच्च स्तर की होती है। एथलीटों को वांछित व्यवहार को प्रदर्शित करने वाले या प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन, निदान और उच्चतम मानकों के व्यवहारों में रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उचित समर्थन प्रदान करने की भी आवश्यकता है। अगर आप गुणवत्ता उसमें लाना चाहते हो तो उसको हर तरह के सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आप सपोर्ट नहीं दे रहे हो तो खिलाड़ी जो है उसकी मानसिकता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा कुछ प्रभाव है। अब उसके बाद है प्रेरणा और खेल, मोटिवेशन एंड स्पोर्ट। आपको पता ही होगा कि प्रेरणा सभी एथलीट प्रयास और उपलब्धि की नींव होती है, क्योंकि प्रेरणा नहीं रहती तो कैसे कर पाओगे। आप जितना भी खिलाड़ी देखोगे वो मोटिवेट जरूर होता है। ठीक है, उसको मोटिवेशन चाहिए भी चाहिए। ठीक है, अपने खेल प्रदर्शन को बेहतर बनाने के आपकी इच्छा और दृढ़ संकल्प के बिना अन्य सभी मानसिक कारक या आत्मविश्वास, तीव्रता, ध्यान और भावनाएं व्यर्थ है। आपको पता ही है सबसे अच्छा एथलीट बनने के लिए आपको अपनी क्षमता को अधिकतम करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह करने की प्रेरणा होना चाहिए। प्रेरणा खेल में व्यवहार का एक मुख्य निर्धारक है। यह एक जटिल निर्माण है जिसमें एथलीटों को प्रयासों को शुरू करने और निर्देशित करने, बनाए रखने और समाप्त करने के लिए विविध और गतिशील उद्देश्य होते हैं। एथलीट आंतरिक और बाहरी कारकों या दोनों के संयोग के प्रेरित हो सकता है। देखिए, जो कोई भी खिलाड़ी है वो आंतरिक भी हो सकता है प्रेरित और बाहरी भी हो सकता है, इसलिए इन दोनों के महत्व को आंका जाता है और दोनों का महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है खिलाड़ियों के प्रेरणा के लिए। कहते जो संदर्भ समय के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई एथलीट मनोरंजन और आनंद के लिए खेलों में भाग लेता है तो वो कोई व्यक्ति अपने व्यायाम और फिटनेस सेशन को जारी रखता है क्योंकि यह संतुष्टि और चुनौती का प्रभाव प्रदान करता है। आपको दोस्तों शायद बात को पता ही भी होगा कि हमारा ये जो खेल प्रक्रिया है, ये खेल प्रक्रिया ऐसा चीज़ होता है ना जिसमें आपको हानि कभी नहीं होता, आपको सिर्फ फ़ायदा ही होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है इससे आपको पैसे तो मिलते ही मिलते हैं, प्लस आपके शरीरी फिटनेस भी बना रहता है। तो ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप देखते हो कि खिलाड़ी हर कोई व्यक्ति बनना चाहता है, बनना भी चाहिए। ठीक है, तो उन्हें आंतरिक प्रेरणा करके रूप में पहचाना जा सकता है। दूसरी ओर एक एथलीट नगद पुरस्कार, ट्रॉफी, नौकरियाँ, पदोन्नति, यहाँ तक कि कम
मूर्त पुरस्कार जैसे प्रशंसा और स्थिति जैसे विभिन्न प्रोत्साहन कारण खेलों में भाग लेता है। ये तो पता ही है, कोई भी ऐसे भाग नहीं लेता उसको पुरस्कार ट्रॉफियाँ नौकरियाँ पदोन्नति इन चीज़ों के लिए ही भाग लेता है। तो उन्हें प्रेरणा को बाहरी कारकों के रूप में पहचाना जा सकता है। ये तो चलिए बाहरी है, ठीक है, जो बाहरी की बातों को लाता है। भले ही व्यायाम करने और खेलने में भाग लेने का मकसद सजा से बचना होता है, यह बाहरी प्रेरणा का एक रूप भी हो सकती है, क्योंकि यह एक बाहरी शक्ति है जो किसी व्यक्ति के भागीदारी व्यवहार को प्रदर्शित करती है, ठीक है। हालांकि बाहरी पुरस्कार का अधिक उपयोग या अधिक ध्यान वास्तव में आपको प्रेरित कर सकता है, लेकिन आपको प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करता है। देखिए, कोई भी चीज़ का ना पॉजिटिव वेस है तो उसका नेगेटिव वेस भी बनती है, ठीक है। अगर नकारात्मक है तो सकारात्मक भी रहेगी। जब आपकी प्राथमिक प्रेरणा बाहर होती है तो वो आपके अधिक मात्रा में प्रतिष्ठित दबाव और चिंता महसूस कर सकते हैं। अंततः एथलीटों के साथ अपनी तुलना प्रतिक्रिया रूप से कर सकते हैं, अपने जो अपने आत्ममूल्य का अवमूल्यन का सकेते हैं, विफलता में निपटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विफलता देखिए सबको रहता है और इसमें भी जो अपने आप को समेट लेता है वही सबसे अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। यह अपने खेलों का काम को तुलना में अधिक देख सकते हैं। अब इन चीज़ों से हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कहा जाता है कि उच्च बाहरी और उच्च आंतरिक प्रेरणा की एक साथ उपस्थिति के व्यास को एथलीटों के लिए सबसे सकारात्मक लाभ मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें आप आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से आप उसको संभावित करते हो। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि बाहरी उद्देश्यों को उच्च आंतरिक प्रेरणा को एक मजबूत नींव पर शोषित किया जाए, यानी नींव इसकी जो होनी चाहिए बहुत मजबूत होनी चाहिए। जिसकी नींव बहुत मजबूत होती है वो 100% आगे अच्छा से अच्छा कोशिश करता है। उच्च आंतरिक प्रेरणा के बिना चोट और गैर चयन पदोन्नति जैसी समस्या का सामना करने में एथलीट को बाहर होने की संभावना बनी रहती है। तो इन चीज़ों के लिए क्या है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आता यह है कि व्यायाम पालन, एक्सरसाइज एडहेरेंस। आपने देखा होगा कि पालन को विश्व शब्द यानी इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिभाषित किया गया है, ठीक है, यानी वर्ल्ड जो है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। जिस हद एक व्यक्ति का व्यवहार दबा लेता, ठीक है, दवा लेता है, उसी प्रकार आहार का पालन करना और जीवन शैली में बदलाव करना एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को सिफारिश के अनुरूप ही होती है। कहते हैं व्यायाम पालन से तात्पर्य उस सीमा से है जिसमें एक व्यक्ति आरंभिक गोद लेने के चरण के बाद लंबे समय तक निर्धारित व्यायाम दिनचर्या के अनुसार कार्य करता है। यानी आपको अपने एक्सरसाइज को भी करना होता है और अपने दिनचर्या में से ही निकालना पड़ता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यायाम पालन में एक व्यायाम कार्यक्रम बनाना, इसे दैनिक दिनचर्या में अपना और धार्मिक रूप से इसका पालन करना शामिल होता है। तो आपको इसको बहुत ही सादगी से पालन करना बहुत जरूरी है। कब आप सोचोगे कि एक दिन मैं व्यायाम कर लूँगा तो मुझे फ़ायदा ही फायदा होगा, आप शायद गलत फहमी में हो। आपको अगर व्यायाम की आदतें लगाना है तो आपको जीवन के दिनचर्या में से कुछ समय उसको प्रतिदिन लगाना पड़ेगा, तभी आपको उसको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो व्यायाम पालन की अवधारणा कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज एंड्रेंस क्या होती है, व्यायाम पालन की अवधारणा उद्देश्यपूर्ण व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों में नियमित भागीदारी जीवन शैली के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, खासकर वृद्धि और व्यक्तियों के लिए। जीवन शैली में नियमित शारीरिक गतिविधियों को शामिल करना एक महत्वपूर्ण व्यवहार माना जाता है जो विशेष रूप से शारीरिक और मनोविज्ञान कल्पना को बनाए रखने के लिए लाभ प्रदान कर सकता है। जबकि अनुसंधान में दिखाया गया है कि लंबे समय तक व्यायाम कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले वृद्धि लोग को जीवन की गुणवत्ता अच्छी हो जाती है, यानी जो व्यायाम प्रतिदिन करते हैं उनके जीवन शैली जो होती है बहुत ही अच्छा बन जाता है। अफसोस की बात है कि दुनिया में अधिकांश लोग शारीरिक गतिविधियों के महत्व के बारे में बहुत ही कम ज्ञान के साथ गतिहीन जीवन शैली का नेतृत्व करते हैं। एक व्यायाम कार्यक्रम में भाग लेने के से संबंधित प्रमुख उद्देश्यों में से एक ऐसे कार्यक्रम का पालन करना भी बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा पालन शब्द का वर्णन एक विशेष नियम आदि के अनुसार व्यवहार करने या विश्वास के लिए सेट का पालन करना था या कुछ करने का एक निश्चित तरीके के रूप में किया गया था। इस प्रकार सरलतम शब्दों में व्यायाम पालन से तात्पर्य उस सीमा से है जिसमें व्यक्ति शारीरिक व्यायाम में सक्रिय भागीदारी बनाए रखता है और सलाह के अंतर्गत व्यायाम की खुराक के अनुसार कार्य करता है। बावजूद इसके अवसरों और दबावों के वापस लेने के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने द्वारा पालन शब्द का वर्णन एक विशेष नियम आदि के लिए किया गया है। तो आप तो समझ सकते हो कि व्यायाम जो होती है एक नियम होती है, रूल रेगुलेशन होती है, ठीक है, एक व्यवहार होती है या विश्वास को एक विशेष सेट का पालन करना होता है जिसमें व्यक्ति शारीरिक व्यायाम में सक्रिय भागीदारी बनाए रखता है और सलाह और अंतराल व्यायाम की खुराक के अनुसार कार्य करता है। बावजूद इसके कई अवसरों और दबावों का आपस लेने के लिए इसलिए व्यायाम पालन को स्वयं विनियमित स्व इच्छिक व्यवहार के रूप में संदर्भित किया गया है। देखिए,
स्वैच्छिक का मतलब यही होता है कि आपको इसको अपनी इच्छा के अनुसार ही करना चाहिए, ठीक है। व्यायाम जो होती है ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं होती, क्योंकि उसको आपको जीवन में लाना है और आपको प्रतिदिन करना है, तो ये स्वयं इच्छक होती है। जो गोद लेने के आरंभिक चरण के बाद लंबे समय तक व्यायाम दिनचर्या को बनाए रखने के लिए निर्देशित होती है। अगर आप एक बार इसमें कूद जाते हो ना, तो आपको काफ़ी टाइम तक या लंबे समय तक जीवन के अंत तक आपको इसमें निर्देशित रहना पड़ता है। यह समझना महत्वपूर्ण होने के साथ साथ दिलचस्प भी है कि लोग व्यायाम करते हैं और वे ताकते हैं कि एथलीट्स की खेल भागीदारी शुरू करने की ओर धकेलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है, व्यायाम के कारण, रीजन ऑफ एक्सरसाइज। व्यायाम के कारण क्या होते हैं? प्रत्येक दिन व्यायाम अपने आप अपने लाभ एक अन्य वैज्ञानिक रिपोर्ट लाता है। कुछ अध्ययन बेहद सकारात्मक प्रभाव दर्शाते हैं जिनकी चर्चा नीचे दी गई है। आपको पता ही है ना, जो व्यायाम हम करते एक्सरसाइज करते हैं उसमें हमेशा हमारा पॉजिटिव ही रिजल्ट आती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, ठीक है। व्यायाम कहा जाता है उनको नहीं करना चाहिए जो कोई रोग से ग्रसित हो या रोग उनके काफ़ी बढ़ चुकी हो, क्योंकि वो डॉक्टर सलाह से ही करे तो ही अच्छा है। सबसे पहला तो यही पॉइंट आता है व्यायाम करने में कि सबसे आप खुश रहेंगे, यू विल बी जस्ट हैप्पी। व्यायाम में कई प्रक्रिया एक साथ मिलकर आपको खुश रखते हैं, यह केवल, ठीक है, उच्च ऋण नहीं है। नियमित व्यायाम करने करके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, बस आपको इस आदत बनाने की ज़रूरत है। अगर एक बार आप आदत बना लीजिएगा ना, तो ये प्रतिदिन करने से आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्टन में किए गए एक अध्ययन में पाया गया था कि जिस दिन हम व्यायाम करते हैं उस दिन हमारी मनोदशा काफ़ी सुधरी हुई दिखती है। चलिए, रिसर्च है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है और बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि ये तो आपको भी नॉलेज है। इसको अगर आप यूनिवर्सिटी की बात मानते हो तो आप अपनी बातें कब मानोगे, अपनी बातों पे कब आप गौर करोगे? आपने भी देखा होगा कि जिस दिन आप व्यायाम करते हो उस दिन काफ़ी आपको मनोदशा अच्छी रहती है। इसे स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए दैनिक दिनचर्या में एक त्वरित कसरत करने का तरीका खोजें। आप अपने जीवन में अच्छा महसूस करेंगे, आपकी लंबी जो होगी आयु होगी, यानी आपकी आयु लंबी होगी, यानी यू विल बी लाइव टू द लॉन्गर। ये तो सबसे बड़ी बात है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यह कोई रहस्य नहीं है कि स्वास्थ्य जीवन आपके लंबी आयु प्रदान करेगा, लेकिन आप अनिश्चितता होंगे कि इसके आपको कितना लाभ मिलेगा। एक अध्ययन पाया गया है कि व्यायाम जीवन की आशा में इतनी अधिक सुधार ला सकता है जितनी कि व्यक्ति धूम्रपान छोड़ने के बाद महसूस करता है। तो आप समझ सकते हो कि ये क्या बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह वास्तव में सत्य है कि पूरे दिन बैठे रहना आपको मार रहा है और बस थोड़ा से नियमित व्यायाम एक लंबा सफर तय करने में आपकी सहायता भी कर रहा है। ठीक है, अगला जो बात आती है यहाँ पर आता है, आप कम बीमार रहेंगे। तो ये बात भी सही है, यू विल बी गेट अ सिक लेस ऑफन। ये तो बात सही है ना कि व्यायाम करने वाला व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा सा बीमार भी कम ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर काफ़ी तंदुरुस्त रहते हैं। कोई भी बीमार होना पसंद नहीं करता। एक ताज़ा अध्ययन में यह पाया गया है कि लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं उन्हें ठंड लगने या बुखार आने की संभावना आधी रह जाती है। व्यायाम इसमें काफ़ी सहायता होता है। तो बात तो यही है, अगर मान लीजिए आपको बुखार हो जाता है, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज या घूमने लग जाते हो तो आपको ऑटोमेटिक पसीना आने लग जाएगा। जहाँ आपका शरीर गर्म था आप वहाँ पर पसीने आने लग गए, तो इसमें तो दो राय है ही नहीं। ठीक है, ये तो आपने भी अपना जीवन में करना करके देख लेना। अगर कभी ऐसा होता है बदकिस्मती से तो ऐसा करके आप देख लेना कि अगर आप बुखार उखार चढ़ा हुआ है थोड़ा सा आप घूम फिर लो, देखो आपको पसीना कैसे आ जाएगा। बिना दवाई बिना आपको पैरासीटामोल खाए ही आपको इतने पसीने आने लग जाएंगे जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही अगला है पॉइंट, आप अधिक ऊर्जावान होंगे, यू विल हैव टू मोर एनर्जिक। यह विरोधाभासी सहज ज्ञान लग सकता है, लेकिन नियमित व्यायाम से आप दिन भर ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। वास्तव में एक अध्ययन में यह पाया गया है कि यदि आप दिन के मध्य में व्यायाम करते हैं तो दोपहर के बाद भी आप अधिक ऊर्जावान और सक्रिय महसूस जो है क्रियाशील महसूस करेंगे। आपने देखा भी होगा व्यायाम की इसमें कोई दो चार राय नहीं रहती है। व्यायाम जो है बहुत काफ़ी लाभदायक होता है व्यक्तियों के लिए, वो आपको ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि व्यायाम करने से आपका खाना जो होता है भोजन जो होता है अच्छा न्यूट्रलाइज होती है और अच्छा एनर्जी देती है। तो ये काफ़ी टाइम तक आपको बॉडी को एनर्जेटिक रखेगी, काफ़ी एनर्जी आपको देती रहेगी। तो ये तो सही बात है, कोई इसमें दो नहीं है, ये तो आप भी समझते होंगे। और अगली बात तो यही होता है कि आपको अच्छी नींद भी आएगी, यानी यू विल बी स्लीप टू बेटर। तो यह आपने ध्यान भी दिया होगा, यदि आपको रात में कभी सोने में परेशानी होती है तो नेशनल एथलीट फाउंडेशन का कहना है कि नियमित व्यायाम करके आप बेहतर आने में सहायता भी करता है, क्योंकि अगर व्यायाम करते हो तो आपकी बॉडी कुछ हद तक थक जाती है जिसकी वजह से आपको अच्छा नींद आता है। देखते हो लोग देखना शाम के टाइम कैसे खाना खाने के बाद घूमते रहते हैं। क्यों घूमते हैं? एक तरह घूमने से उनका थकावट हो जाएगा बॉडी और खाना भी थोड़ा पच जाएगा और जाके बहुत अच्छा नींद आएगा। नींद बहुत ही ज़रूरी होती है हमारे जीवन के तनाव मुक्त होने के लिए। ठीक है, व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय है सुबह या दोपहर,
न कि रात को सोने से पहले। यदि आप रात को सोने से पहले व्यायाम करते हो तो वास्तव में इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो रात में सिर्फ व्यायाम करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल ही मनाही की गई है। मैं तो इससे इतना कहना तक कह रहा था कि आपको सिर्फ खाना खाने के बाद थोड़ा टहल लेना चाहिए। व्यायाम का मतलब होता है दोस्तों एक्सरसाइज, ठीक है, ये ध्यान रखना। घूमने को नहीं कहते, तो वॉकिंग होती है, आप सिर्फ यहाँ पर सैर कर रहे हो। सैर करने से क्या होगा, आपके पैर थोड़ा थकेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, ठीक है। और व्यायाम का मतलब होता है शारीरिक एक्सरसाइज, मसल्स एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें काफ़ी आपको पावर लगती है। तो वो पावर तब लगती है जब आप सुबह और दोपहर करते हो, तो रात्रि के समय नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप रात्रि के समय करोगे तो ये आपके उल्टा ही प्रभाव डालेगा आपके शरीर पे, आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि बहुत से जिम जो होते हैं शाम के टाइम करते हैं और शाम के टाइम बंदों को प्रशिक्षण देते हैं, तो चलिए ये बात तो शायद उनको साथ समझ ना हो, इसका बात मैं कर नहीं सकता, ठीक है, वो तो उनकी प्रॉब्लम है, जो करते हैं उनको समझ भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका तनाव कम होगा, यानी यू विल बी रीएड्रेस स्ट्रेस, यानी हम सभी के जीवन में तनाव तो रहती रहती है, तो आपको पता ही है, पढ़ाई का तनाव, खाने का तनाव, घर में टेंशन का तनाव, हर तरह के टेंशन टेंशन आपको भरा पड़ा रहता है, तो आपके दिमाग पर बुरा असर पड़ जाता है इससे। लेकिन अध्ययन से पता चलता है कि व्यायाम इससे मुकाबला करने का एक शानदार तरीका है। यह न केवल प्राकृतिक एंडोर्फिन्स को ताकत प्रदान करता है, बल्कि आपको तनाव देने वाली चीज़ों से भी मुक्त करता है, तो ये तो बात सच्चाई भी है। उसके बाद है आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, यू विल बी बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। निश्चित रूप से व्यायाम करने के जीवन को बेहतर बनाता है, जो आपके आत्मविश्वास में सुधार करता है। व्यायाम आपको स्वयं में पूर्णता महसूस कराता है, यद्यपि आप अपने शरीर में ताकत परिणाम नहीं देखते हो, तो लेकिन समय के साथ आप अच्छा महसूस करेंगे और कुछ समय बाद आपको आत्मविश्वास में काफ़ी हद तक वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद है आपको मृदा अच्छी होगी, यानी आपके जो बेटर होगी पोस्चर, अच्छे मृदा महत्वपूर्ण, और अपनी मृदा को ठीक करने का सक्षम तरीका व्यायाम की सहायता से अपनी मांसपेशियों को मजबूत करना होता है। निश्चित रूप से अपने पेट या पीठ या मांसपेशियों का व्यायाम करते होगे, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अगली बात तो आती है ये कि आपकी याददाश्ता में भी सुधार होगा, यानी यू विल बी इम्प्रूव योर मेमोरी। तो याददाश्त जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो आपका विद्यार्थी जीवन है, क्योंकि याद रहेगा तभी आप आगे पढ़ाई भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। तो एक्सरसाइज जो है विद्यार्थियों के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। व्यायाम से न केवल आपके मस्तिष्क को अधिक ऊर्जा और ऑक्सीजन मिलती है, बल्कि कई अध्याय से यह भी पता चला है कि व्यायाम आपकी याददाश्त को भी बढ़ाता है और आपको नया सीखने में सहायता भी करता है, यानी आपको मेमोरी जो है काफ़ी बूस्ट करता है, इम्प्रूवमेंट करता है। तो ये चीज़ें जो है व्यायाम जो है बहुत ही ज़रूरी है। अगला जो हमारा दोस्तों आता हुआ है व्यायाम के लाभ, यानी बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। अब देखिए बेनिफिट के तो इतने बेनिफिट हैं जिसका आप गिन भी नहीं सकते। जितना मैंने अभी चर्चा कर चुका हूँ तो आप कह सकते हो कि इसकी बेनिफिट है ही नहीं, जितना बेनिफिट है तो उसका कोई बात ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, फिर भी हम करते हैं, सबसे पहले आता है स्वास्थ्य लाभ, यानी हेल्थ बेनिफिट। अब हेल्थ बेनिफिट में क्या होता है, तो हेल्थ बेनिफिट कई प्रकार के हो सकते हैं, कई उसको कर सकते हैं आप। देखते हैं कि जो हेल्थ जो बेनिफिट यानी स्वास्थ्य लाभ है उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले तो यही आता है एरोबिक शक्ति बनाना, यानी बिल्ड ऑफ एरोबिक्स पावर। आपके एरोबिक शक्ति आपके शरीर के ताकतें द्वारा वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करके आपके शरीर की अधिकतम काम करने की क्षमता देता है। प्रायः व्यक्ति प्रतिवर्ष अपनी एरोबिक शक्ति का एक प्रशिक्षण कर देता है, और एक दशक में लगभग 10%। यदि आप 40 वर्ष की आयु से गणना आरंभ करते हैं तो आप देखेंगे कि आप 70 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते अधिक 30% शक्ति छीन हो जाती है। तो बात सच्चाई है कि 40 तक पहुंचते पहुंचते से 70 तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति की 30% जो एनर्जी होती है ख़त्म हो जाती है। नियमित व्यायाम से न केवल एरोबिक शक्ति बढ़ती है, बल्कि इसके छीन होने की क्षमता भी कम हो जाती है, यानी काफ़ी इसकी जो होती है बढ़ती है। हृदय रोग के जोखिम को कम करता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ द कार्डियोलॉजिकल डिसीजेज। तो कार्डियोवैस्कुलर जो डिसीजेज होती है उस पर भी काफ़ी ये अच्छा असर करता है। क्रोनिक उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर और कोरोनरी हृदय रोग को सबसे आम रूप है। अधिक वसा वाले भोजन का सेवन करने से धमनियों में रक्त जमा हो जाती है, जिसको आपको भी नॉलेज है कि अगर आप वसा युक्त भोजन करते हो तो आपको जो नर्व्स होती है उसमें जो है वसा जम जाती है, जिससे कि हार्ट अटैक हार्ट प्रेशर बढ़ जाती है, जो उच्च रक्तचाप के कारण बन जाती है, यानी आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाती है। व्यायाम आपको रक्तचाप को कम करने में सहायता करती है, जैसे कि धमनियाँ फैलती है, रक्त सरलता से बहने लगता है और रक्तचाप धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आपको पता ही जितना नर्व्स बढ़ेगा जितना फूलेगा उतना ही आपको उसे आराम पड़ जाती है। अगला जो है हमारा क्या,
प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना यानी मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता है आपने प्रतिरोधक क्षमता के बारे में तो जानते ही होगे। आज का ऐसा समय आ रखा है जहां प्रतिरोधक क्षमता की बातें अधिक की जाती है, तो इसमें दो राय नहीं है, आपको समझ आ ही गया होगा। आपको प्रतिरोधक क्षमता वह प्रणाली है जो आपको संक्रमण और अन्य रासायनिक विषैला पदार्थों को संक्रमण से बचाती है। प्रतिरोध क्षमता प्रणाली शरीर के स्वास्थ्य और तनाव रहित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यायाम से एंटीबॉडी श्वेत रक्त कणिकाएं जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। आपको पता है ना कि जो आप एंटीबॉडी के बारे में जानते हो जिसे हम डब्ल्यू कहते हैं, यानी क्या कहते हैं जो एंटीबॉडी बनाता है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, आप व्हाइट ब्लड सेल के बारे में जानती हो, हमारे दो तरह के ब्लड सेल होते हैं, एक RBC होता है एक WBC होता है। तो WBC का जो है बहुत अच्छा काम होता है, वो हमारा क्या करता है प्रतिरोधक क्षमता होती है उसकी बढ़ाती है। आपने देखा होगा कभी चोट लग जाए तो आपको पता डब्ल्यू जो होता है आपको श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है WBC वो आके आपको वहां पर खून को क्लोटिंग कर देता है, व्हाइट देखा ही होगा आपने। तो हमारे शरीर में जो है व्हाइट ब्लड सेल्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है प्रतिरोधक क्षमता में। ठीक है, इससे क्या होता है संख्या बढ़ने में सहायता मिलती है, काफ़ी इसकी संख्या बढ़ा देती है। ठीक है, अगला जो है हमारा देखिए क्या टॉपिक है, अगला जो है दोस्तों शरीर की वसा को कम करना है, रिड्यूस ऑफ बॉडी फैट। आपको पता ही अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो इससे पसीना निकलेगा तो आपका फैट जो होगा बहुत ही कम जाएगा। ठीक है, आपका BMI या बॉडी मार्क्स इंडेक्स, आपने देखा ही हुआ बॉडी मार्क्स इंडेक्स आपकी सग्र अपचयन की स्थिति को अनुमति प्रदान करता है। यदि आप अधिक वजन वाली श्रेणी में आते हैं तो एरोबिक्स व्यायाम को नियमित कार्यक्रम का पालन करके आप शरीर में वसा रहित ऊतक उत्पन्न करते हैं, अर्थात वसा की अदला बदली करके BMI को सामान्य रूप में नक नीचे लाया जा सकता है। BMI का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है दोस्तों, BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें आप वजन को गणना करते हो। उसके बाद हड्डियों को मजबूत रखना, कीप अ बोन स्ट्रॉन्ग। तो एक्सरसाइज करने से मैंने कहा ना एक बेनिफिट नहीं है, हमारा बॉन्ड भी काफ़ी हद तक मजबूत होती है। उम्र से संबंधित एक और परिवर्तन हड्डियों की खनिज शक्ति का नुकसान होता है। आपको पता ही है कि जो वृद्ध हो जाते हैं उनमें जो हड्डियों में जो कैल्शियम होती है उसके नुकसान होता रहता है। प्रतिवर्ष 1% की हानि हमारे शरीर की हड्डियों को बहुत तेजी से पतला और कमजोर करता चला जाता है। ठीक है, व्यायाम स्थिति घनत्व में सुधार करके आपकी हड्डी को स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत बड़ी कुंजी है, बहुत बड़ा इसका आंसर छुपा हुआ इसी में कि व्यायाम करने से आपकी हड्डियाँ जो होती काफ़ी मजबूत होती है और आप काफ़ी अच्छे होते हो। अगला जो है आपका मांसपेशियों का निर्माण करता है यानी बिल्ड ऑफ मसल्स। ठीक है, यानी बिल्ड ऑफ मस्कुलस मास यानी प्रतिरोध प्रशिक्षण से आपकी मांसपेशियों का निर्माण कराती है। वास्तव में आपकी मांसपेशियों का आपकी हड्डियों के विरुद्ध तनाव आपकी हड्डियों के बलोत्तोलन में अधिक लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। तो आप समझ सकते हो कि मांसपेशियों का निर्माण में भी एक्सरसाइज बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। अगला है सांस लेने में सुधार करता है, इंप्रूवल ऑफ ब्रीथिंग रेट। आपको पता है कि जो दम में अस्थमा से ग्रसित है उनके लिए भी व्यायाम वर्जित करते हैं लोग, क्योंकि उससे उनको काफ़ी सांस बढ़ जाती है। लेकिन कहते हैं अगर प्रतिदिन आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट में करते हो तो ऐसी बीमारी तो आएगा ही नहीं, आने के चांसेस ही नहीं रहते। व्यायाम मांसपेशियों को मजबूत करके आपके श्वसन को भी बेहतर बनाता है या आपके फेफड़े को खोलकर ऑक्सीजन ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में सहायता करता है। आपने देखा ही होगा कि एक्सरसाइज करने से आपको जो होता है सांस की जो ध्वनि होती है वो बढ़ जाती है। व्यायाम से शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का प्रभाव होती है जिससे आपके शरीर की एरोबिक क्षमता प्रभावित होती है। उसके बाद दोस्तों इसके जो है इसका लास्ट पॉइंट है वो है आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। तो आप जानते ही हो क्योंकि आपका शरीर अधिक कुशलता से काम कर रहा है इसलिए आपके शरीर की कोशिकाओं को अधिक ईंधन प्रदान करने की जरूरत होती है और वो आप अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करके कर सकते हो। आप कम खिंचाव और दर्द महसूस करते हो जबकि आपके पास अधिक ताकत होती है। परिणाम स्वरूप आप अपनी दैनिक गतिविधियों करने में कम थकान तनाव और थकावट महसूस करने लग जाते हो। तो ये सारे जो होती है आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, बूस्ट करता है एक्सरसाइज। अगर आप ये करते हो प्रतिदिन तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगी। अगला पॉइंट जो है इसका दूसरा पॉइंट है संज्ञात्मक लाभ यानी कॉन्जेटिव बेनिफिट। ये दूसरा पॉइंट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि हम लाभ पढ़ रहे हैं बेनिफिट पढ़ रहे हैं तो इसके में दो पॉइंटों में इसने बांटा हुआ था। ठीक है, एक तो स्वास्थ्य लाभ था, दूसरा है संज्ञात्मक लाभ। ठीक है, एक था आपको हेल्थ बेनिफिट, दूसरा था कॉन्जेटिव बेनिफिट। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो यही आता है कॉन्जेटिव बेनिफिट में, यादाश्त को बढ़ाता है यानी बूस्ट ऑफ मेमोरी। व्यायाम आपके शरीर की कई प्रणालियों में आपको संज्ञात्मक कामकाज में सुधार कर सकता है। मनुष्य और प्रयोगशाला जानवरों पर हुए असंख्य प्रयोग से यह स्पष्ट हो गया है कि नियमित शरीर व्यायाम से आपका न्यूरॉन विशेष रूप से आपके मस्तिष्क में स्मृति क्षेत्र को
आकार में रखने में सहायता करता है, यानी आपको स्मृति क्षेत्र जो है उसको काफ़ी ही अपने साइज में रखने में सहायता करता है, यानी आपकी मेमोरी घटती नहीं है। उसके बाद है डिमोशिया, यानी विस्तृत को जोखिम को कम करता है, या लोअर डेमोटिक्स रिस्क को भी कम करता है। व्यायाम को डेमोसिस के विकास को संभावनाएं कम करती है, क्योंकि व्यायाम से आपके पूरे शरीर में दिमाग सहित रक्त प्रवाह में काफ़ी सुधार होता है और काफ़ी रक्त प्रवाह आपका सही रहता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य लाभ, ये तो हमने दो के था, ये तीसरी पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य लाभ। सबसे पहले हमने क्या किया था दोस्तों, आपने सबसे पहले क्या किया था वो था हेल्थ बेनिफिट, दूसरा था आपका कॉन्जेटिव बेनिफिट, तीसरा जो है मेंटल हेल्थ बेनिफिट, यानी कह सकते हो स्वास्थ्य लाभ, संज्ञात्मक लाभ और मानसिक स्वास्थ्य लाभ। तो ये तीन पॉइंट जो है बहुत ही काफ़ी कारगर है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट के बाद देखते हैं इसमें तीसरा पॉइंट में क्या आखिर कहा गया है। इसमें यही कहता है उत्तेजना को कम करता है, यानी लोअर एनजाइटीज। स्वभाव और व्यायाम के लाभ से आपका चिंता का स्तर भी काफ़ी प्रभावित होता है, जैसे जैसे आपके एडोनस का स्तर बढ़ता है आपके चिंता भी कम होती चली जाती है। जब आप व्यायाम करते हैं तब आप अपनी दैनिक समस्याओं में ध्यान हटाकर अपने वर्कआउट या पर ध्यान काफ़ी केंद्रित करने लग जाते हैं। उसके बाद मज़ेदार लगत लागत होता है, फील लाइक फन, यदि आप उस तरह का व्यायाम तलाशते हैं जो आपके व्यक्तित्व और जरूरत प्रेरणा के अनुकूल हो तो आपका समय अच्छा है, लेकिन आपका शरीर काम कर रहा है। कुछ लोग समूह में व्यायाम करना पसंद करते हैं क्योंकि वे सामाजिक अवसरों का आनंद लेना चाहते हैं, अन्य कामों के तनाव से खुद को दूर रखना पसंद करते हैं, तो इस तरह के लिए मानसिक स्वास्थ्य लाभ बहुत जरूरी है। उसका अगला पॉइंट जो है चौथा पॉइंट बनेगा वो है आत्म प्रभावकारिता को बढ़ावा देना, यानी प्रमोटेड टू द सेल्फ एफिशिएंसीज। इसमें दोस्तों यही बात बताई गई कि आत्मभावकता यह विश्वास है कि व्यक्ति एक विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम है। नियमित व्यायाम और खेलों में भाग लेने की हद तक एक व्यक्ति को अपने विश्वास से जुड़ा होता है। सही कार्य को पूरा करने, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने और चुनौतीपूर्ण परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता, उच्च आत्म प्रभावकारी वाले लोग सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां शुरू करते हैं और खेल और व्यायाम मार्गों को नियमित जुड़ावों के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया भी देते हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट इसका जो बनेगा वो है सामाजिक एकता को बढ़ावा देती है, प्रमोट टू सोशल कोशंस। तो बात तो सही है दोस्तों, अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आपका समाज में भी काफ़ी नाम सम्मान रहेगा, ठीक है। तो ये बात बहुत जरूरी करता है कि सामाजिक एकता को बढ़ावा भी देता है, ठीक है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ये तो आपको भी पता ही है, जो समूह गतिविधियों में संलग्न होना पसंद करता है क्योंकि इससे उन्हें अन्य लोगों के साथ मिलजुल और बातचीत करने का अवसर भी प्रदान करता है। नतीजन कई लोग व्यायाम व्यवहार को खेल भागीदारी में संलग्न कर लेते हैं, तो ये चीज़ें जो है प्रमोट ऑफ सोशल कंक्लूजन बहुत ही इसमें जरूरी होती है। उसके बाद जो पॉइंट हम आता है मूल्य अभिन्यास बढ़ाता है, यानी इनहेंस टू वैल्यू ओरिएंटेशंस, यानी एक स्वास्थ्य जीवन शैली और नियमित शारीरिक गतिविधियों के महत्व के बारे में ज्ञान और समझ व्यक्तियों के बीच व्यायाम और बाद में शुरू करने के लिए एक मूल्य अभिविन्यास बनायास व्यास व्यवहारों के साथ जारी रखें, ठीक है। मूल्य अभिविन्यास दर्शनीय मान्यताओं को प्रदर्शित प्रतिनिधित्व करता है, शारीरिक गतिविधियों और व्यायाम के मत उत्पन्न मूल्य में अनुशासन उन्नत सिखाने की प्रक्रिया है। आत्म प्राप्ति सामाजिक जिम्मेदारी और प्रशासनिक एकीकरण को शामिल करता है। देखिए मूल्य अभिमान बढ़ाता है, यानी मूल्य जो होगा आपका वैल्यूबल जो है काफ़ी बढ़ा देता है, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका जीवन काफ़ी शैली सुधरती है। उसके बाद नेतृत्व के गुण विकास करना, आपको तो पता है कि डेवलपमेंट और लीडरशिप ऑफ क्वालिटी, आपको पता है कि जो क्वालिटी होती है लीडरशिप की वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका अच्छा क्वालिटी है लीडरशिप की तो आपको हर जगह जॉब ईजिली मिल जाती है, क्योंकि यही क्वेश्चन वहाँ पर पूछा भी जाता है कि आपका लीडरशिप कैसी क्वालिटी है। एक व्यायाम कार्यक्रम में शामिल होना और खेलों में भाग लेना व्यक्तियों को प्रतिकूलताओं का अनुभव कराने का अवसर प्रदान करता है और विभिन्न कमियों जैसे स्थान की कमी, अपर्याप्त रसद, प्रतिकूल परिस्थितियों की भरपाई से सीखने का अवसर भी प्रदान करता है और सभी भी लंबे समय तक गतिविधियों के साथ जारी रहता है, इसलिए नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। खेल और व्यायाम के अवसर व्यक्तियों को विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों के समान रूप से प्रभावित होना सिखाता है। एक नेता एक और महत्वपूर्ण पहलू को विकसित करते हुए सामान्य परिस्थितियों में भी विविधता पैदा करने की क्षमता देता है। अब जो हम करने जा रहे हैं व्यायाम लाभ पालन में रुचि बढ़ाने के लिए रणनीति, आपको पता है कि लोग नियमित रूप से व्यायाम करने में शारीरिक और तत्कालीन दोनों बाधाओं का अनुभव करते हैं, जैसे जैसे समय की कमी, ऊर्जा और
प्रेरणा, दर्द और बेचैनी एक सबसे अधिक उल्लेखनीय किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है, इसलिए उसे कुछ नया करने पर शर्म या शर्मिंदगी महसूस होती है। तो पता ही है आपको, हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले तो शर्म आती है, शर्मिंदगी हम महसूस करते हैं। इसलिए एक स्वास्थ्य और फिटनेस पेशेवर को अपने शिष्य के साथ अनुभूति और धैर्य का प्रदर्शन करना चाहिए और एक मजबूत भरोसेमंद संबंध का निर्माण करना चाहिए। मैंने कहा ना, गुरु के साथ जो शिष्य के जो संबंध होती है वो हमेशा भरोसेमंद और मजबूत होना चाहिए। जबकि शोध ने रणनीति और दृष्टिकोणों को पहचान कर उसमें सुधार करने की सहायता किया है। व्यवहार परिवर्तन और रणनीति का उपयोग करने में व्यायाम पालन में सुधार हो सकता है और लोगों को व्यायाम को कई शारीरिक और मनोविज्ञान लाभ महसूस कराने में सहायता भी मिल सकती है। उदाहरण के लिए मानव मन स्थिति को रूप में व्यायाम को फिर से तैयार करना, ठीक है, तनाव प्रबंधन रणनीति के साथ कैलोरी और वजन घटाने पर ध्यान केंद्रित करने में कथित लाभ में वृद्धि हो जाती है। तो जरूरी है, अगर देखिए, अगर कहते हैं ना, अगर शरीर की जो ढांचा है सही नहीं रहती है तो लोग कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते, कहीं जाना भी पसंद नहीं करते। अगर वही शरीर आपका स्वस्थ है, अच्छा है, तो आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी अपना कार्य को संपन्न कर सकते हो। ये तो आपने भी अपना जो है जो डेली लाइफ में देखे ही होगी कि जो वृद्ध लोग होते हैं वो भी जाना कहीं पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो है, व्यायाम पालन में रुचि बढ़ाने की रणनीति। अगर आपको व्यायाम करना है तो आपको कुछ प्लानिंग बनाना पड़ेगा, कुछ रणनीति बनाना पड़ेगा, कुछ बनाना ही पड़ेगा जिसकी वजह से आप वो एक्सरसाइज में संलग्न हो सके। तो सबसे पहले दोस्तों यही आता है आपका कि नियोजन यानी प्लानिंग। सबसे पहले तो बात है, आपको प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी है। व्यायाम पालन करने के कारणों में यह सबसे बड़ा कारक है, यह आपके फिटनेस प्रणाली को सब पहले महीने के कार्यक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आदतें को विकसित करने का महत्वपूर्ण समय है। यह वह चरण है जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसकी ओर कदम बढ़ाते हो। अपने पहले 4 सप्ताह के लिए एक योजना तैयार कीजिए। इसे अपने फ्रिज या कहीं और ऐसी जगह चिपकाइए जहाँ इसे आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें लिखिए कि किस दिन आप कौन सा व्यायाम करेंगे, किस समय करेंगे और कौन से दिन विश्राम करेंगे। तो ये बात जो होती है, पहले से सेटलमेंट होना बहुत जरूरी है, कि जो व्यक्ति पहले से प्लान बना लेता है वो ज़िंदगी में असफल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने हर चीज़ को पहले ही निर्धारित कर दिया है, और कर दिया है तो लिख देने से नहीं होता है, उसको पालन भी करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद है तैयारी करना, प्रिपरेशन क्या होती है। तैयारी में सब कुछ शामिल होते हैं जो आप अपनी योजना पर अमल करने के लिए अपने करते हैं। देखते हैं कौन कौन से तैयारी जो है हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए व्यायाम करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। वर्कआउट करने के लिए उपयुक्त कपड़े और जूते रखना बहुत जरूरी है। यदि सुनिश्चित करें कि वर्कआउट के लिए आपको किन अतिरिक्त चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, जैसे पैर, बोतल, पसीना पोंछने के लिए तौलिया, तो ये सब तैयारी होना बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन करना इतना जरूरी होती है जितना आपको तैयार होते हो। इन वस्तुओं को रात को ही अपने बैग में रख लेना चाहिए जिससे आपको अधिक प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद है सेल्फ मॉनिटरिंग यानी स्वयं निगरानी करना बहुत जरूरी है। इसमें आपको गतिविधियां, व्यवहार को दस्तावेजीकरण शामिल है। एकत्र किए गए डेटा में अक्सर शामिल होते हैं तिथि, व्यायाम का समय, अवधि, व्यायाम का प्रकार, गतिविधि का प्रकार, हृदय गति और कथित परिश्रम की दर। तो ये सब चीज़ें जो होती है आपको अपनी निगरानी में रखना बहुत जरूरी बन जाती है। उसके बाद है सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करें यानी इनकरेज टू द पॉजिटिव माइंडसेट। एक और तरीका यह है कि आप दूसरे के साथ और खुद के साथ की गई बात को मार्गदर्शन करके एक गतिहीन जीवन शैली को सक्रिय जीवन शैली में बदल लें। अवलोकन मन को तथ्य और कल्पना के बीच का अंतर नहीं पाता है। आंतरिक रूप से यह दूसरे के बात करते समय आपको अपने बारे में सकारात्मक शब्दों का ही बोलना चाहिए। इसे प्रेरणा बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, क्या है, एडिंग अ वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज यानी व्यायाम में विविधता जोड़ना। यानी आपको जो व्यायाम है एक जैसा नहीं करना है, व्यायाम कई तरीका से अपनाना है जो हमारे हर एक शरीर के लिए फायदेमंद हो। नई किस्म के व्यायाम की कमी से आप उब जाते हैं और छोड़ने की समस्या हो जाती है, क्योंकि एक ही व्यायाम बार बार करोगे तो आप उब जाओगे, जनरल सी बात है। बोरियत को विभिन्न प्रकार के व्यायाम के साथ निपटाया जा सकता है। अगर बोरियत है तो उसको विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यायाम करके उसको बदल सकते हैं, ठीक है। चिकित्सक लाभों को नुकसान के बिना सामान्य शरीर के मुद्दों को संबोधित करते हैं। नई रणनीतियों को अपनाने, तरीकों को बदलने तथा नए उपकरणों का उपयोग करने, रसद का पुण्य आविष्कार करने और नए सदस्यों को जोड़ने से माध्यम से व्यायाम कार्यक्रम में विविधता जोड़ने के बाद व्यायाम गतिविधियों में नई ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार व्यायाम को पालन वृद्धि हो सकती है, यहाँ तक कि अवधि, तीव्रता, बारंबारता के साथ स्थान और व्यायाम के तरीकों को परिवर्तन भी रुचि बनाए रखने में, व्यवहार को दीर्घकालीन पालन को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। तो उसके साथ ही समर्थन सपोर्ट अपने सबसे, आपने देखा होगा, अगला पॉइंट है
समर्थन सपोर्ट, आपने सबसे बड़े सार्थक को पहचानिए। ये लोग हैं जो आपको प्रोत्साहन करते हैं और आपके प्रेरित करते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं और शायद स्वयं बहुत सक्रिय होते हैं। आपने आप स्वयं को व्यायाम का दोस्त बनाना भी बेहतर व्यायाम पालन का करना होता है, ठीक है। एक शानदार तरीका खोजिए, आपको अगर सपोर्टिंग चाहिए, सपोर्ट है तो आप उसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद है पुरस्कार रिवॉर्ड, अपने आप को व्यायाम पालन के लिए प्रोत्साहन करने के रूप में पहले 4 सप्ताह में एक अंत में एक पुरस्कार निर्धारित कीजिए। यदि आप बिना किसी रुकावट से इस अवधि को प्राप्त कर सकते हैं तो इसे बड़े लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो जनरल सी बात है, जब छोटी प्राप्त हो जाती है तो बड़ा अपने आप प्राप्त हो जाती है। जब आप इस पर काम करते हैं तो अपने बड़े लक्ष्य के लिए खुद को पुरस्कार दें, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको भी प्रोत्साहन बढ़ता है। मैंने अभी कहा था ना कि आप अगर एक लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे तो मुझे भी काफ़ी उस पर प्रोत्साहित मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ बच्चों को भी पसंद आ रहा है। देखिए, अपने आप को पुरस्कार दो या दूसरे को दो ही तो देना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है तो पुरस्कार तो एक जनरल सी बात है, मिलता ही है, चाहे किसी को भी मिलता है। आपके माता पिता आपको पाल पोस के बड़ा इसलिए करते हैं कि उनको भी एक समय आए जहाँ पर आप उनको पुरस्कार दो, उनको जीवन को सुखमय बना दो। तो जीवन का यही एक निर्धारित लक्ष्य रहती है। अगला लक्ष्य ही है लक्ष्य लेखन यानी गोल रिटेन। प्रतिदिन अपने लक्ष्य को लिखें और लिखें कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। अपनी सफलता पर खुद की बधाई दें, यानी आप अपने आप को प्रोत्साहन दें। यह भी लिखें कि कब काम आपकी योजना के अनुसार नहीं हुआ है और अपने लक्ष्य पर डटे रहने के लिए आप क्या अलग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों है प्रयास। प्रयास जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है, जिसको हम गलत नहीं कह सकते, यानी इफोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कितने अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास कोई वास्तविक योजना है तो व्यायाम पालन करना सरल हो जाती है। वहाँ तक पढ़ने के लिए आपको ज्ञान, कौशल, इच्छा और समर्थन के लिए रास्ते पर राजनीति निर्धारित करने की आवश्यकता ही पड़ जाती है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट जो है, ठीक है, खेलों में आक्रमकता का अर्थ अवधारण का प्रकार, यानी मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ एग्रेशंस एंड स्पोर्ट। ये हमारा अगला एक टॉपिक होगा, ठीक है। ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्रेशन एग्जाम में आ जाता है, यानी जो है आक्रमक करता आ ही जाता है कई बार एग्जाम में। इसमें यही बात बोला गया है, कई मनोविज्ञान के व्यवहार संदर्भ में आक्रमकर्ता का व्याख्या भी की गई है। हालांकि व्यवहार के अन्य रूपों में आक्रमकर्ता को परिभाषित करना मुश्किल है। आक्रमकर्ता की अवधारणा को समझने के लिए कुछ परिभाषा नीचे दी गई है, जो कुछ लोगों के अपनी अपनी विचारधारा है। सबसे पहले तो यही कहा गया है वंडूरा के अनुसार, यानी कार्यकर्ता कई इसमें यही बोला है कि आक्रमकर्ता कोई भी व्यवहार है जिसके परिणाम से किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति, मनोवैज्ञानिकता या शरीर का नुकसान होता है। तो ये तो पता ही है, अग्रेसिव होने से कई तरह के आपको नुकसान भी हो जाते हैं, ये उसमें कोई दो राय नहीं है। अगला है बैरन ने एक बात बोला था कि आक्रमकर्ता को एक ऐसी किसी भी व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी भी जीव को नुकसान या चोट पहुंचाने की दिशा में हो। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि आक्रमकर्ता का मतलब ही होता है कि वो किसी भी सिंपल वर्ड में देखा तो क्या है, देखो, जो किसी भी जीव को नुकसान या चोट पहुंचाने की दिशा में हो, तो उसे ही कहा जाता है। उसके बाद कहा गया है कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के अनुसार क्या बोला था, अमेरिकन साइकोलॉजिकल विभाग ने यह बोला था कि आक्रमकर्ता एक प्रकार का व्यवहार है जिसके उद्देश्य दूसरे को शारीरिक और मनोविज्ञान नुकसान पहुंचाना होता है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया, जिसका उद्देश्य एक ही होता है, शारीरिक या मनोविज्ञानिक नुकसान पहुंचाना। अधिकांश मनोविज्ञान आक्रमकर्ता को किसी भी ऐसे व्यवहार के रूप में संदर्भित करते हैं जो किसी भी जीव प्राणी को नुकसान पहुंचाने या चोट पहुंचाने का इरादा रखता हो, जो इसे बचाने की कोशिश कर रहा हो। अब देखिए, इसके जो है इसके तीन मुख्य विशेषता बताई गई है, आक्रमकर्ता के तीन जो है विशेषता बताई गई। पहला तो यही बोलता है कि आक्रमकर्ता व्यवहार का एक रूप है जो जिसे देखा जा सकता है, यह एक भावना नहीं है जो किसी व्यक्ति के अंदर होता है। जैसे कि क्रोध किसी के प्रति भावनात्मक अभिव्यक्त होता है, जिसे हम महसूस करते हैं कि उसे कुछ गलत किया है या नुकसान या विनाश के माध्यम क्रोध व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन आक्रामक व्यवहार शारीरिक और मानसिक नुकसान के कारण हो सकता है, एक शारीरिक भी नुकसान हो सकता है और मानसिक भी नुकसान हो सकता है। दूसरा है, आक्रमकर्ता का एक ऐसा व्यवहार है जिसके उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है, उसका अर्थ यह है कि आक्रमकर्ता जानबूझकर और क्रामिक नहीं है। यह नुकसान पहुंचाना या घायल करने के लिए एक जानबूझकर किया गया व्यवहार है और यह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, अर्थात नुकसान करने के इरादे से किसी जानबूझकर चोट पहुंचाना, धक्का देना या अपमानित करना, ये सब भी व्यवहार इसमें आ जाता है।
तीसरा पॉइंट यही कहता है कि दूसरे व्यक्ति को पीड़ित ऐसे उपचार या नुकसान से बचाना चाहिए। तो ये तो बात सही है कि जो उपचार जो है प्रॉब्लम से बचाता है वही हमेशा महान कहलाता है। अगला जो है दोस्तों, इसमें एग्रेशन इन स्पोर्ट यानी खेलों में आक्रमकता। आपने देखा ही होगा कई मैच जो होते हैं उसमें आपस में खिलाड़ी जो होते हैं भिड़ जाते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं, जो सही नहीं होता, क्योंकि वो एक देश के लिए खेल रहे होते हैं, उसमें ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। जो देश के लिए खेलता है तो अपनी भावनाओं को उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप नहीं खेल रहे होते हो, आपका देश खेल रहा होता है, क्योंकि आपके देश के नाम से आप गए हो, तो वहाँ पर ऐसी भावना उनको नहीं होना चाहिए। फिर भी देखते हैं कि खेलों में आक्रमकता क्या होती है। खेल में टेरी और टेक्सन ने आक्रमकता की परिभाषा दिया है कि हानिकारक व्यवहार जिसके खेल में प्रतिबंधित लक्ष्य से कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए यह अनियंत्रित आक्रमकता खेल नियमों के दायरे से बाहर है, वही अत्यंत प्रतिस्पर्धा व्यवहार खेल नियमों के लिए दायरे में आता है। ऐसा आक्रामक और हिंसक प्रक्रियाओं को बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट आदि जैसे समस्त खेलों में अवैध हो सकते हैं। देखिए सभी चीज़ों में अवैध घोषित किया गया है, लेकिन ऐसा देखने को मिल जाता है अक्सर। वही मोटे करोटों व कुछ जैसे आपको देखा होगा कि जूडो हो, कराटे हो, कुश्ती हो जैसे लड़ाकू खेल हो, या रमवीस अमरीकी फुटबॉल, लाइस हॉकी जैसे सामूहिक स्पर्श खेलों में वैध है। इसमें भी देखिए वैध है, वैध तो हर जगह है लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसकी अनुमति हो सकती है। इस खेलों में काफ़ी आक्रामकता और प्राय हिंसक शरीर पकड़ देखी जाती है। आपने देखा ही होगा कि जो कराटे जो होती है उसमें काफ़ी तगड़ी तरह से मारा जाता है, जो कि खेलों के नियमों के दायरे में हो सकते हैं, और इसका अभिप्राय किसी को चोट पहुंचाना नहीं होता है। लेकिन देखिए चोट तो वहाँ पहुँचती है, लेकिन उसमें दायरा होती है, एक रूल रेगुलेशन होती है। हालांकि खेलों के अलावा किसी भी अन्य संदर्भ में इस तरह के व्यवहारों को आपराधिक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर आप किसी को गलत पहुँचाते हो, चोट पहुँचाते हो, तो आपको उस के रिगार्डिंग आपको केस दायर हो जाएगा। इन खेलों के प्रति भागियों ने इस खेलों में कठोरता को पकड़ने और समय चोट की अनिवार्यता को भी स्वीकार किया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है शत्रुपूर्ण आक्रमकर्ता। आपको पता है कोई भी व्यक्ति जो होता है शत्रु समझ के अगर कुछ करता है तो उसका सही नहीं रहता, लेकिन शत्रुता कहती क्या है, क्या होता है ये शत्रुपूर्ण आक्रमकर्ता का तात्पर्य हिंसक और क्रोध व्यवहार से है, ठीक है, क्या है ये दोस्तों, हिंसक और क्रोध व्यवहार से है, जहाँ दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुँचाना इरादा और प्राथमिक लक्ष्य हो जाता है। यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने का इरादा ही उसका प्राथमिक लक्ष्य होता है। शत्रुपूर्ण आक्रमण का एक और प्रकार की संक्रमणता है, जो एक कथित खतरे या अपमान के जवाब में प्रतिबंधित होती है। यह लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा को विपरीत तीव्र भावना को नियोजित प्रतिक्रियावादी अभोगी और ईंधन है, जो प्रतिक्रियात्मक आक्रमणता भी कहते हैं, और इसे गुस्सा भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि किसी अन्य को शारीरिक मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुंचाना होता है, ठीक है। शत्रुपूर्णता आक्रमकता में मुख्य उद्देश्य गैर वैध उपायों और अवैध तरीकों का उपयोग करके अपने प्रतिबंधित को यानी अपने प्रतिद्वंद जो होता है को चोट पहुंचाने कारण दर्द और पीड़ा कारण बनता है, यानी पीड़ा देना ही उसका उद्देश्य होता है। अधिकांश एथलीट अपने व्यवहार के लिए काफ़ी माफ़ी नहीं मांगते हैं, और इसके वजह से हिंसक व्यवहार या अपने कार्य के लिए आत्म औचित्य देते हैं, तो गलत है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए, ऐसे व्यवहार तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो अपने देश के लिए खेलते हैं, ना कि वो स्वयं के लिए खेलते हैं। उसके बाद जो है नियमित आक्रमकर्ता यानी इंस्ट्रूमेंटल अग्रेसर। इसमें इंस्ट्रूमेंटल का शब्द है कि एक साधन के रूप में सेवा करना होता है, अर्थात आक्रमकता का उपयोग केवल लाभ या जीत हासिल करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है, और क्रोध या दुश्मनी के कारण नहीं। नियमित आक्रमकर्ता जिसे शिकारी आक्रमकर्ता के रूप में भी जाना जाता है को उन व्यवहारों द्वारा चिन्हित किया जाता है जो एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से होते हैं। नियमित आक्रमकर्ता अक्सर सावधानी पूर्वक योजना बंद रूप ले होती है, ठीक है, ये सब जो होती है योजना बंद होती है, और आमतौर पर लक्ष्य तक पहुंचने के रूप में मौजूद होती है। इसे चैनल आक्रमकर्ता भी कहा जाता है, और यह क्रोध के साथ नहीं होती है। नियमित आक्रमकर्ता तब है जब मुख्य उद्देश्य आक्रमकता का उपयोग करके एक लक्ष्य को प्राप्त करता है। नियमित आक्रमकर्ता जिसका कोई उद्देश्य नुकसान नहीं है को आक्रमकर्ता इरादे के कारण एक आक्रमकर्ता इरादे के कारण एक आक्रमकर्ता कार्य माना जाता है, यानी एक तरह का इसको गलत निरादर माना जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अधिकांश खिलाड़ी अपने कृत्य या नियमित आक्रमक व्यवहार के लिए माफ़ी पसंद करते हैं। बहुत से दोस्त देखते हो मांगना ही पड़ता है, या कभी कभी तो उन पर बैन भी लगा दी जाती है, पैसे को भी उनको नुकसान हो जाता है इस चक्कर में। उसके बाद है मुखर या सशक्त व्यवहार यानी स्टिम बिहेवियर।
अक्सर खेलों में कृत्यों और आक्रमण के रूप में गढ़ा जाता है, लेकिन वास्तव में खिलाड़ी मुखर व्यवहार प्रदर्शित कर रहा होता है। मुखर व्यवहार को आमतौर पर अभिव्यक्ति की सकारात्मक रूप में देखा जाता है, जबकि आक्रमणकर्ता व्यक्तियों के एक नकारात्मक रूप है। इसे व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वैध शारीरिक और मौखिक बल का उपयोग शामिल होता है। उदाहरण के लिए जब कोई खिलाड़ी बहुत अधिक तीव्रता से खेल के नियमों के भीतर खेलता है लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं होता है, तो एक कृत्य और मुखर होने के लिए इसके लिए किसी भी नियमों को तोड़ा बिना वैध बल को उपयोग के साथ नुकसान पहुंचाने की किसी भी इरादे के साथ निर्देशित किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में खिलाड़ी जो है बॉल को मारता है बैट से, ठीक है, बैट से मारता है। आप ये तो नहीं देखता कि कहां पर कौन सा खिलाड़ी बैठा पड़ा है, क्या है, तो इस समय जो है इसको अवैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें जो होता है वो अपना जो है बल्ले को घुमाएगा ही, उसको किसी न किसी दिशा में पहुंचाएगा बॉल को, तो अगर उसको चोट पहुंच जाती है तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें यही है आक्रमणकर्ता प्रबंधन यानी एग्रेशंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके देखिए अगर आक्रमणकर्ता है, अगर वो उसमें अग्रेशंस काफ़ी है, तो उसको लिए आप क्या करते हैं, कुछ मैनेजमेंट भी जरूरी होता है। तो खेल मैदान पर खिलाड़ी द्वारा आक्रमणकर्ता व्यवहार को कम से कम किया जाना चाहिए। एथलीटों के बीच आक्रमणकर्ता के प्रबंधन में प्रभावी हो सकने वाली रणनीति में कुछ न कुछ उल्लेखित दिया गया है। अब देखिए क्या क्या वहाँ पर जो है इनको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, हम उसी के विचार में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यही आता है कि सामाजिक रूप में स्वीकार्य डिस्चार्ज माध्यम, सोशल एक्सेप्टेबल डिस्चार्ज मीडियम। ड्राइव सिद्धांत के अनुसार लोगों को, ठीक है, पास आक्रमण होने का जन्मजात प्रवृत्ति है। आपको पता है कोई भी व्यक्ति जो है जन्म से ही इस गुण को लेकर जन्म लेता है, क्योंकि उनमें रहता ही रहता है प्रवृत्ति, चाहे कोई भी हो, और वह यह छूट जाने तक बिना रहती है। लोगों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य साधनों के माध्यम से आक्रमणकर्ता व्यक्त करने के लिए अवसर और स्थान दिया जाना चाहिए, ताकि वह अपनी हताश को छुटकारा पा सके। उदाहरण के लिए बैग को मारना या छिद्रित करना। आपने देखा ही होगा कि व्यक्ति जो है कभी कभी गुस्सा अपने सामानों पर उतारता है, तो इसका कारण ये है। तो ऐसा ही करना चाहिए, हमें किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचा के कुछ है सामान है कुछ बैग है उस पर अपना गुस्सा झाड़ लो, आपको तकलीफ आ जाएगी तो आपका गुस्सा जो होगा शांत हो जाएगा। क्योंकि जो ये होती है आपको पता ही है कि जो एग्रीशंस होती है वो काफ़ी बेकार होती है किसी चीज़ के लिए, किसी के लिए, यहाँ तक कि आपके शरीर के लिए भी। उसके बाद है आपका सकारात्मक सुदृष्टिकरण यानी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, यानी सकारात्मक दृष्टिकरण वांछित व्यवहार प्रदर्शित होने के बाद व्यक्ति को एक प्रेरक प्रतिबलित प्रोत्साहित प्रस्तुत करके कार्य करता है, जिससे व्यवहार भविष्य में होने की अधिक संभावना होती है। उदाहरण के लिए मैदान पर अच्छी खेल भावना दिखाने वाले एथलीटों या टीमों को उचित खेल पुरस्कार देना, तो ये भी एक बहुत जरूरी होती है। अगला जो है हमारा दोस्तों नकारात्मक दृष्टिकोण यानी नेगेटिव जो है रिइंफोर्समेंट क्या होती है। प्रतियोगिताओं के दौरान हिंसा के किसी भी कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए या छूट नहीं दिया जाना चाहिए, तो बस जरूरी है। इसमें आक्रमण खिलाड़ियों को टीम के लिए सजा के सख्त नियम होने चाहिए, जबकि आक्रमणकर्ता परिस्थिति में संयम रखने वाले खिलाड़ियों और टीमों के उचित खेल बिंदु को सम्मानित किया जाना चाहिए। तो ये भी बात जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर सम्मानित करने की बात रखी जाती है तो लोग जो हैं बहुत ही समझदारी से खेलेंगे और वो सिर्फ खेल के भावना से ही खेलेंगे। उसके बाद जो है इसमें है प्रेरणा स्रोत यानी रोल मॉडल। आम जनता युवा एथलीट वरिष्ठ खिलाड़ियों को अपने हीरो के रूप में देखते हैं, वे बड़े होकर इनाम पुरस्कार सम्मान प्राप्त करते हुए देखते हैं और उसके व्यवहार काफ़ी हद तक नकल करने की कोशिश भी करते हैं। इस प्रकार शीर्ष सतर और वरिष्ठ खिलाड़ियों को आक्रमण व्यवहार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए या उनकी सराहनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धीरे धीरे प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। ठीक है, तो इसमें जो होता है रोल ऑफ मॉडल्स, कि रोल मॉडल ऐसे होना चाहिए व्यक्ति जो काफ़ी अच्छा हो और उसका करैक्टर भी काफ़ी हद तक अच्छा हो। उसके बाद है प्रशिक्षण और भूमिका निभाना, ट्रेनिंग एंड रोल प्लेइंग। क्रोध और आक्रमणकर्ता निपटने के दौरान एथलीट यह जानने में विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं कि रोल प्ले के माध्यम से अपनी शत्रुतापूर्ण भावना और गुस्से को कैसे नियंत्रण आप रख सकते हो। प्रशिक्षण गुस्से की भावना को नियंत्रण करने में स्वभावी और शत्रुपूर्ण व्यवहार की ओर ले जाता है, तो ये बात तो बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है एक्सटर्नल क्ल्यू, बाहरी संकेत। एथलीट को जीतने के बजाय हमेशा अच्छी खेल भावना और खेलों में भागीदारी की प्राथमिकता देना चाहिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अच्छी खेल भावना से ही खेली जानी चाहिए, क्योंकि खेल जो होता है हम देश के लिए खेलते हैं, ना कि अपने लिए खेलते हैं। यदि कोई एथलीट किसी भी कीमत पर जीतना चाहता है तो वह शत्रुत्वपूर्ण और नियमित
आक्रमण हो सकता है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर जीतने के उद्देश्य से उतरता है, अगर उसमें मतलब क्वालिटी भी ना हो, तो इसका मतलब है कि वह हिंसक रूप का ही धारण करेगा और हिंसक रूप का ही अपनाएगा। इस प्रकार प्रदर्शन के बजाय भागीदारी को बढ़ावा देना, जीतने की तुलना में निष्पक्ष खेल की सराहना करना, परिणामों के बजाय मस्ती पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए, खेल जो होता है मस्तीपूर्ण होती है, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए होती है, ना कि दुश्मनी निकालने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, हार और जीत तो सदैव लगी रहती है। हार से हताश नहीं होना चाहिए और जीत से उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों अवस्था में लोग गलत रास्तों पर ही चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा 9 चैप्टर का जो टॉपिक था ख़त्म हो गया। हम अगले टॉपिक में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। ओके दोस्तों, बाय।